Story name is Punishment or Love, and this story is begin from Chapter 157. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. जब तक तुम्हारे प्यारे मुझे प्लेजर नहीं मिलता, तब तक ना ही तुम रुकोगी और ना ही मैं रुकने दूंगा. अभी अपनी सांसों को काबू कर लो, फिर मुझे फिर से प्यार करो, वो भी वाइल्ड होके. तापसी उसकी बात सुन शमा से पानी पानी हो गई. उसने अपना चेहरा और भी समय के सिने में छुपा लिया. दोनों इस वक्त एक मखमली चादर में लिपटे हुए थे. जैसे दो जिस्म एक जान, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता. समय तो पहले से तापसी के लिए पागल था, अब तापसी को भी अपने लिए पागल बनाना चाहता था. वो चाहता था तापसी पूरी तरह सिर्फ उस पर डिपेंड करे, उसकी दुनिया उसी से शुरू उसी पर खत्म हो. थोड़ी ही देर में तापसी सो गई. उसकी धीमी चलती सांसें समय को महसूस हो रही थी. समय उसके बालों को कान के पीछे कर उसे पलट साइड में लेटा दिया और अपने एक हाथ को अपने सर के नीचे रखे तक तापसी के चेहरे को देखने लगा. तापसी के चेहरे पर सुकून भरी स्माइल थी. वही समय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था. समय बिना किसी एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर आए लटों को उसके कान के पीछे कर उसके सर पर चुम लिया और मन में बोला, कौन कहता है सिर्फ नफरतों में ही दर्द होते हैं, कभी कभी बेपनाह मोहब्बत भी करके देखो, नफरत से ज्यादा दर्द मोहब्बत देती है. थोड़ी देर यू ही तापसी के चेहरे को देखने के बाद समय खड़ा होके अपनी पैंट पहन साइड टेबल से फोन लेके बालकनी में चला गया. उसके एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में फोन. समय ने सिगरेट जला के अपने होठों के बीच दबा के किसी को कॉल किया. सामने से एक ही रिंग में कॉल पिक हो गया. समय बिना इमोशन में, मुंबई आ चुका हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ. दूसरी ओर से एक लड़की की धीमी सी आवाज आई, आधे घंटे में अपने फ्लैट पर आ जाना, मैं वहीं मिलूंगी. और आते हुए मेरे SM बन के आना, किसी और के पति से मिलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है. समय आंखें बंद कर अपनी गदन पर हाथ फेर एक शब्द में जवाब दिया, हम. इतना बोल समय फोन रख दिया और सिगरेट को साइड प्लेट में क्रस कर कमरे में वापिस आके एक नजर बिना किसी इमोशन के तापसी को देख कब्ज से अपने कपड़े लेके बाथरूम में चला गया और थोड़ी देर में कपड़े चेंज कर कमरे से बाहर निकल गया. अभी दोपहर के 1 बजे थे. समय जब हॉल में आया तो उसके सामने इलियाना आके खड़ी हो गई. उसकी आंखें लाल थी, गालों पर समय की उंगली के निशान थे जो काफी बुरे लग रहे थे. हाथों के कोनों पर खून सूख चुका था, बाल बिखरे हुए थे, उसके गालों पर रोने के निशान भी बने हुए थे. उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी विक्टिम की होती है. समय बिना इमोशन उसे नजरे फेर के बोला, या सामने से हतो मुझे कहीं जाना है. कहा जाना है भाई, आपको तो मेरे पास आना चाहिए, मुझे मना ना चाहिए, लेकिन आप बाहर जा रहे हो, कहते हुए इलियाना की आंखों में आंसू आ गए. समय ने बिना इमोशन के कहा, तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता, और उसे साइड कर वहां से चला गया. इलियाना गुस्से में समय को जाते हुए देखती रही. समय अभी विला से बाहर कदम ही रखा था कि उसके सामने राघव आके एक फाइल उसके सामने बधाई. समय बिना फाइल को लिए, मुझे कुछ काम है, आके देखता हूँ. इतना बोल वो बिना राघव की बात सुने कार लेके वहां से चला गया. राघव हैरानी से समय को जाते देखता रहा. उसने कुछ नहीं कहा, वो हैरान था और कंफ्यूज भी, क्योंकि आज पहली बार समय ने काम को साइड किया था, वो भी ऐसे जब उसने खुद उसे काम दिया था. आधे घंटे में समय की कार एक अपार्टमेंट के सामने आके रुकी. समय कार पार्किंग में रख लिफ्ट से फ्लैट नंबर 1003 में चला गया. समय जब फ्लैट में आया उसके सामने एक लड़की ब्लैक रिवेलिंग नाइटी में खड़ी हुई थी. गोरा रंग, काली आंखें, लंबे बाल, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप, फिर भी काफी सुंदर लग रही थी. उसने जो नाइटी पहनी थी वो काफी हॉट एंड रिवेलिंग थी, जो उसकी थाई तक ही आती थी. उसकी गोरी लंबी टांगे साफ नजर आ रही थी. उस लड़की को देख लग रहा था वो समय के आने का ही इंतजार कर रही है. समय को देख लड़की ने अपने निचले होठों को दांतों तले दबा लिया और बड़ी सी मुस्कुराहट लेके उसे देखने लगी. समय ने भी उस लड़की के मैचिंग कलर के कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक शर्ट ब्लैक जींस.
समय लड़की को ऊपर से नीचे देख बिना एक्सप्रेशन चल के उसके पास आके तीन बार बोली हॉट एंड सेक्सी। लड़की ये सुन उसके चेहरे पर काटिलाना मुस्कुराहट आ गई। लड़की बड़ी अदा से किटवोट कर चल के समय के एक कदम करीब आके उसके सीने पर हाथ फेर के उसके गोल चक्कर लगा के बोली हॉट नेस में अगर आप आग हो तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। समय तिरछी स्माइल कर लड़की को कमर से पकड़ अपने करीब कर उसके बालों को पीछे से पकड़ के उसके चेहरे को अपने करीब लाके बोला इस आग की गर्मी बुझाओ बाद में खुद को आग बताना। लड़की उसकी बात सुन काटिलाना स्माइल कर समय के गाल पर उंगली फिरा के बोली क्यों आपकी गर्मी आपकी सो कोल्ड वाइफ नहीं बुझा पाई जिसका नाम हर बार इन होठों पर होता है जब भी आप मेरे करीब आते हो नाम सिर्फ उसका लेते हो। समय बिना एक्सप्रेशन उसके चेहरे को देखता रहा। लड़की समय के होठों पर उंगली फिरा के बोली आज मुझे इस होठों का रस पीना है। समय उसका हाथ अपने होठों से दूर जटक उसके हाथ को मोड़ उसकी पेट से लगा के बोला इस पर उंगली तो दूर नजर भी फिराने की हिम्मत मत करना वरना जितनी भी आग है उसे मिटाने में देर नहीं लगाऊंगा। समय के हाथ मोड़ने से लड़की की आह निकल गई लेकिन समय की बात सुन उसे गुस्सा आने लगा। समय उसे एक झटके में दूर कर सोफे पर जाके बैठ गया। लड़की अपने हाथ को देख गुस्से में दांत पीस के रह गई। अब चलो शुरू हो जाओ समय ने पैर पर पैर रख के कहा और आंखें बंद कली। लड़की को समय की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था वो समय को चिल्ला के बोले जो उसके दिल में है लेकिन उसने अपने गुस्से को तेज़े कंट्रोल कर चेहरे पर नकली स्माइल लाके समय के करीब जाके उसकी गोद में बैठ गई और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। समय आंखें बंद कर अपना सर सोफे के पीछे टिका दिया। उसने ना ही लड़की को पका ना ही कोई रिएक्ट किया। लड़की ने समय की शर्ट को निकाल साइड में फेंक दिया। लड़की की नजर जैसे ही समय के गले सीने पर बने निशान पर गई तो उसके हाथ की मुठिया बन गई। आंखें लाल होने लगी। समय के नेक चेस्ट पर तापसी के दांतों के लव बाइट के निशान थे जो हल्के लाल मिले थे जो अभी अभी दोनों के बीच हुए सॉफ्ट रोमांस के थे। लड़की उस निशान को देख और भड़क उठी और मन ही मन किसी को गुस्से में बोली आई किल यू बास्टर्ड तुमने मुझसे मेरा हक छीना है मुझसे मेरे एसएम छीने है लेकिन बहुत जल्द मैं अपना हक वापिस लूंगी और तुम्हें समय की लाइफ से बाहर निकाल फेंकूगी। इस्ट माय प्रोमिश अब काम करोगी या मेरी बटरफ्लाई के प्यार की निशानियों को देखती रहोगी। समय ने बिना आंखें खोले तिरछी स्माइल करते हुए कहा। लड़की गुस्से में अपने हाथों की मुठिया और भी कसली वो देसे तेसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे उसके गदन पर हाथ रख जैसे ही होठ रखने वाली थी समय ने उसे रोक दिया। लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। समय आंखें खोल तिरछी स्माइल कर उसके बालों को पीछे से पकड़ के कहा यहाँ नहीं ये सारी जगह मेरी बटरफ्लाई के प्यार से भरी है तुम सिर्फ वो करो जो करती हो बाकी किसी जगह छूने की जरूरत नहीं है मुझे अपनी बटरफ्लाई की लव बाइट पर किसी के निशान नहीं चाहिए। उसकी बात सुन लड़की और भी हैरान हो गई। उसने उस निशान पर उंगली फिरा के जलन भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा अगर मैं यहाँ नहीं छूगी तो फिर आपको प्लेजर कैसे मिलेगा जितना बोला जाए उतना करो। समय ने बिना इमोशन गुस्से में उसकी उंगली मोड़ते हुए कहा और एक झटके में उसे अपनी गोद से खड़ा कर दिया। लड़की अंदर ही अंदर अपनी अपनी ह्यूमिलिटी बर्दाश्त कर रही थी। समय उसे अपनी बातों से ह्यूमिलेट किए जा रहा था फिर भी लड़की चुप रही और अपना काम करने लगी। समय आंखें बंद कर सोफे पर सर टिका दिया। ठीक उसी वक्त धम से कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुन समय ने जट से आंखें खोल दी। लड़की की नजरें आवाज की ओर चली गई। समय अपने सामने तापसी को देख सोकद हो गया। वही लड़की के चेहरे पर काटिलाना स्माइल आ गई। समय लड़की को दूर झटक खड़ा हुआ। लड़की तापसी को देख उसका सारा गुस्सा चला गया। उसकी जगह इवल स्माइल आ गई। समय के दूर झटकने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तापसी के साथ वह वरुण भी था। सामने का नजारा देख वरुण ने जट से तापसी को अपने सीने से लगा लिया और बिना कुछ बोले तापसी को लेके वहां से चला गया। समय तुरंत अपने कपड़े सही कर बिना लड़की को देखे वहां से निकल गया।
लड़की उनके जाने के बाद इवल स्माइल कर सोफे पर बैठ पैर पर पैर चरा के बोली, बहुत सुख था ना तुम्हें मेरे एस एम को मुझसे चुराने का। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ, तुम्हें कितने दर्द देती हूँ। और उसकी शुरू आत आज से ही हो गई मेरे एस एम को मुझसे छीनने की सजा। मेरी उफफ सॉरी मेरे समय की सो कोल्ड बटरफ्लाई द गेम इज बिगेन। इतना बोल लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी नॉर्मल हंसी नहीं थी, पूरे फ्लैट में उसकी हंसी गूंज रही थी। वरुण तापसी को लेके विला वापिस आ गया। तापसी की आंखें रोने से लाल हो चुकी थी। वरुण तापसी को सोफे पर बिठा के पानी का ग्लास उसकी ओर बाया। इस वक्त वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। तापसी ने पानी पीने से मना कर दिया और अपने फ्रॉक को मुट्ठी में भर अपने पैरों को सिकू के रोती रही। अविरन भी तब तक वहां आ गया। तापसी की हालत देख वो खुद को उसके पास आने से रोक नहीं पाया। वो तापसी के पास आके उसके कंधे पर हाथ रख परेशानी भरी आवाज में बोला, क्या हुआ छुटकू तुम रोक क्यों रही हो। तापसी अविरन की आवाज सुन तुरंत उसके सीने से लग रो पड़ी। वरुण की आंखें गुस्से में दहक रही थी। तापसी अविरन की कमर से लिपट रो रही थी। राहुल इस वक्त अपने कमरे में था। उसकी चोट बढ़ गई थी इसलिए डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने को कहा था। वरुण ने उसे अभी तक कुछ नहीं बताया था। इलियाना भी हॉल में ही थी। तापसी की हालत देख उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ शायद खड़ी होके सब देख रही थी और इंजॉय कर रही थी। वो तापसी से नफरत करने लगी थी। जब से उसने तापसी को समय के करीब देखा था तब से उसकी आंखों में तापसी के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। उसे तापसी कौन है, क्या है, उसका समय से क्या रिश्ता है, उसे कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ समय का उसे थप्पड़ मारना याद था जिसे उसकी नफरत तापसी के लिए और बढ़ गई। श्लोक राघव अफान भी तब तक बाहर आ गए। अविरन सोकद होके अपनी जगह पर जम गया। तापसी के ऐसे अपने सीने से लगने से हैरान परेशान दोनों था। एक पल के लिए वो अपनी जगह पर फ्रिज हो गया लेकिन तापसी के आंसू देख अब उसे उसकी फिक्र होने लगी। अविरन ने परेशान होके उसके सर पर हाथ फिरा के बोला, छुटकू क्या हुआ तुम रुक क्यों रही हो, क्या हुआ ब्यूटीफुल। तब तक वहां समय भी आ गया। समय जिस तरह वहां आया था उसे साफ पता चल रहा था। वो काफी तेज ड्राइव करके भागते हुए आया है। उसकी सांसें अभी भी काफी तेज चल रही थी। समय तापसी को अविरन की बाहों में देख उसकी आंखें पूरी लाल हो गई। हाथों की मुठिया कस गई। उसके हाथ गले की नशे तन गई। वो तेज कदमों से चल उनके पास आके एक झटके में तापसी को अविरन से अलग कर उसे एक थप्पड़ रसीद दिया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि किसी को समझने संभलने का मौका नहीं मिला। वरुण भी इसके लिए तैयार नहीं था। तापसी को थप्पड़ पड़ते ही वो सीधा नीचे गिरी। पूरे हॉल में थप्पड़ की गूंज सुना दी। उसके गिरते ही चोट लगे हाथ में शायद टेबल लगा और उसकी दर्द भरी चिख निकल गई। उसकी चोट से फिर से खून निकलने लगा। वरुण तापसी की चिख सुन गुस्से में समय को एक पंच दे मारा। समय भी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो दो कदम तापसी से दूर लटका गया। उसका चेहरा एक और झुक गया और उसके होठों से खून निकल आया। वरुण के पंच मारने से समय की आंखें और भी लाल हो गई। उसके हाथों की मुठिया और कस गई लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसकी नजरें अभी भी तापसी पर थी जो दर्द से तड़प रही थी। उसके हाथ से खून निकल था देख समय की मुठिया बन गई। अविरन तापसी को संभालते हुए उसके पास बैठ समय पर चिल्ला के बोला, संकी आदमी पागल हो गए हो, वो सिफेरो रही थी इसलिए मैं उसके पास आया और तूने उसे थप्पड़ मार दिया। पहले देख तो सही ये कितनी दरी सहमी है और तू उस पर हाथ उठा रहा है। समय की आंखें अविरन को फिर से तापसी के करीब देख और भी लाल हो गई। उसके जबरे कस गए। वो गुस्से में उसके करीब कदम बढ़ा के बोला, वो मेरी है कने में उसे मारू चाहे रुलाऊ, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला उसे चुप कराने वाले, दूर हो जा उसे वरना उसकी जो हालत करूगा सो करूगा लेकिन तुझे यही जिंदा गार दूंगा। समय तापसी को टच करता उसे पहले वरुण ने एक बार फिर उसे दूर धकेल दिया। समय फिर से उसे दो कदम दूर हो गया। अब उसे वरुण पर और भी गुस्सा आने लगा था। समय गुस्से में वरुण का कॉलर पकड़ के चिल्ला के बोला, अपनी लिमिट में रे और बिच सेहत
वरुण ने भी उसका गिरबान पकड़ लिया लेकिन पीछे नहीं हटा। आज पहली बार वरुण ने समय के साथ ऐसा किया था। उसकी आंखें भी लाल थी। आज उसे समय से कोई डर नहीं लग रहा था बल्कि उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। वरुण समय की आंखों में आगे डाल के गुस्से में दांत पीस के बोला, और कितना गिरेगा और कितना उसे दर्द देगा उस मासूम ने? तेरा क्या बिगाड़ा है जो बार बार उसका दिल तोड़ रहा है? इतना कुछ करके तुझे चैन नहीं मिला जो इस तरह? छी, मुझे तो बोलते हुए भी गुस्सा आ रहा है। तो सोच, इस मासूम ने तो उसे देखा है, उस पर क्या बीत रही होगी और तू उस पर हाथ उठा रहा है? सही कहता है राहुल जी, से तुझ पर भरोसा नहीं होगा भी कैसे? तेरे देसे हैवान पर भरोसा कौन करेगा? मैं पागल था जो उसकी बात नहीं सुनी और इस मासूम को तेरे पास ले आया। मैं बेवकूफ था जो इसे बचाने तेरे पास लाया। मुझे क्या पता था तू इसके साथ ये सब करेगा? छी, मुझे सोच के भी घिन आ रही है तुझसे। इतनी बड़ी चीज करने के बाद भी हमारे सामने खड़ा होने की हिम्मत है तुझ में? मानना पड़ेगा, रुख इतना गिरेगा मैंने सोचा नहीं था। ऊपर से यहाँ आके उस पर हाथ उठा रहा है। तू खुद को मर्द समझ रहा है लेकिन नहीं, तू एक ना मर्द है। सुना तूने? तू एक ना मर्द है। जो हरकत तूने की है वो सबसे घटिया है और गिरी हुई है। वरुण बोलते बोलते रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वरुण उसका कॉलर और कसके पकड़, अब मेरी बात कान खोल के सुन ले, मैं अपने जीते जी तुझे उसके पास नहीं जाने दूंगा। तेरी परछाई भी अब उस पर पड़ने नहीं दूंगा। सुना तूने? अब मैं तुझे उसके पास नहीं आने दूंगा। जो गलती मैंने की वो दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं उसका सगा भाई नहीं हूँ, फिर भी उसे इतना ही प्यार करता हूँ जितना राहुल वो मेरी भी बहन है, समझा? और ये भाई अपनी राखी का वचन निभाएगा। वो मर जाएगा लेकिन अब उसे कोई दर्द तकलीफ नहीं आने दूंगा। समय गुस्से में वरुण का हाथ अपनी गिरबान से जटक, चिल्ला के बोला, राघव अफान। समय की आवाज सुन साइड में खड़े राघव अफान जैसे ही आगे बढ़े। वरुण ने उनको देख हाथ दिखा के बोला, अगर तुम दोनों ने कभी भी इसे अपनी बहन माना हो तो वही रुक जाओ। वरुण के इतना कहते ही राघव अफान के कदम वही रुक गए और सर झुका लिया। दोनों समय के आदमी जरूर थे लेकिन दोनों ने कहीं ना कहीं तापसी को अपनी बहन माना है, इसलिए दोनों के कदम आगे नहीं बढ़े। समय दोनों को गुस्से में देख अपने हाथों की मुठिया और कसली और दांत बीज लिए। वरुण अविरन की ओर देख, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरी बहन को इस आदमी से दूर रखने में मदद करोगे? सॉरी लेकिन मेरे पास इस वक्त सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हें बीच में नहीं लाना चाहता लेकिन अभी मैं अकेले इस आदमी को नहीं रोक सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्लीज हेल्प मी। ये अगर इस आदमी के आसपास भी रही तो ये मर जाएगी। प्लीज हेल्प मी। मैं इस आदमी को अपनी मासूम बहन के करीब तो क्या इसके आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तापसी दर्द से तड़प रही थी। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अविरन उसे दर्द से तड़पते देख बिना समय को देखे उसे गोद में उठा लिया। समय ये देख वरुण को खुद से दूर कर अविरन के सामने जाके खड़ा हो गया। तापसी समय को देख डर से अविरन के सीने में छुप लिया। समय हाथ बाकी जैसे ही से छूने वाला था। तापसी अविरन के गले में हाथ लिपट के डरते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। समय के हाथ जो आगे बढ़े थे उसकी डरी हुई आवाज सुन वहीं रुक गए। अविरन तापसी को ठीक से पकड़ समय को देखते हुए बोला, अगर अभी भी कुछ बाकी है तो बाद में कर लेना, अभी मैं इसे लेके अपने रूम में जा रहा हूँ। इसके बाहरी दर्द को कम करने, अंदर का दर्द क्या है वो तो नहीं जानता लेकिन जब जान लूगा उसे भी कम करने की पूरी कोशिश करूँगा, फिर चाहे मुझे अपना वादा ही क्यों ना तोड़ना पड़े। समय गुस्से में अपने हाथों की मुठिया बंद कर ली। उसकी आंखों में आग जलने लगी। समय उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, ये मेरी वाइफ है, इसके दर्द को कम करना या बढ़ाना मेरी मर्जी होगी, अभी तुझे नहीं रोकूंगा क्योंकि मैंने जो किया है वो गलत है और ये मैं मानता हूँ, इसलिए अपने कदम पीछे ले रहा हूँ लेकिन अपनी बटरफ्लाई को ज्यादा देर खुद से दूर भी नहीं रहने दूंगा। अपनी गलती सुधार के इसे अपने पास वापिस लाऊंगा और इस बार तू तो क्या कोई भी मुझसे मेरी बटरफ्लाई को दूर नहीं कर सकता। अविरन उसकी बात सुन बिना कुछ बोले तापसी को लेके वहां से चला गया।
समय भी गुस्से में वहां से दूसरी ओर चला गया। वरुण उसकी आखिरी बात सुन अपने हाथों की मुट्ठी कसके आंखें बंद कर ली और मन में बोला, अगर पता था कि जो कर रहा है वो गलत है तो क्यों किया, क्यों अपने ही प्यार को इतना दर्द दिया, आखिर क्यों समय तूने ये अपनी बीमारी में तो नहीं किया, मैं इतना तो जानता हूँ लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी वो जानना चाहता हूँ। राघव वरुण को, देख भाई क्या हुआ है, अफान ने पूछा। वरुण ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वरुण आंखें खोल दोनों को देख, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, इस वक्त मुझे एक और हेल्प तुम दोनों की चाहिए। अविरन का रूम। अविरन तापसी को बेड पर बिठा के फर्स्ट टेस्ट बॉक्स लेके आया। तापसी अभी भी रो रही थी। अविरन उसके पास घुटनों पर बैठ गया। उसे तापसी के इस तरह रोने से तकलीफ हो रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय उसकी बाहरी चोट को ठीक करने के। वो तापसी की चोट पर दवाई लगाते हुए बोला, क्या हुआ, नहीं पूछूंगा ना ही तुम्हें रोने से रोकूंगा, तुम जितना रोना चाहो रो लो, अपना दर्द आंसुओं में बाहर निकाल दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। छुटकू रोने से तुम्हारे अंदर का जितना भी दर्द होगा वो थोड़ा ही सही कम हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आज के लिए तुम रो सकती हो, आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरी छुटकू अपने पैरों पर खड़ी हो, लोगों के सामने डर के नहीं हिम्मत करके खड़ी हो, तुम्हारी आंखों में मासूमियत के साथ वो बहादुर लड़की देखनी है जो हर मुसीबत का सामना आंखों में आंखें डाल के करे। तापसी उसकी बात सुन चुप गई और अविरन को देखने लगी। वो अभी भी सुबक रही थी। अविरन डेटोल को रुई में लेके धीरे धीरे चोट से खून साफ करने लगा जिसे तापसी की सिसकियां निकल रही थी। अविरन उसकी सिसकियां सुन धीरे धीरे चोट को साफ करते हुए उस पर अपने मुंह से फिक मारने लगा जिसे तापसी को जलन कम हो। तापसी सिसकते हुए बोली, जल रहा है। अविरन उसकी आंखों में दर्द देख फुक मारते हुए, अब नहीं होगा छुटकू, थोड़ा सही है फिर दर्द नहीं होगा ना ही जलन होगी। अच्छा मेरी एक बात सुनो, मैं जो कहूँगा उसे जरूर याद रखना छुटकू, आज के बाद खुद को मजबूत बनाना, कमजोर बेबस लाचार नहीं, जितनी तुम मासूम क्यूट हो सब पर बिना सोचे समझे भरोसा करती हो, यही चीज तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जिसे तुम्हें सुधारना होगा। अविरन ने उसे समझाते हुए उसके आंसू पोंछते हुए बोला, वो नहीं चाहता समय उसे इस तरह दर्द दे और वो सब कुछ बिना गलती के सहन करे। तापसी अपनी झील सी नम आंखों से अविरन को देख रही थी और उसकी बातें ध्यान से किसी अच्छे बच्चे की तरह सुन रही थी। जैसे अविरन उसका डैड हो और वो उसकी बेटी, या फिर अविरन कोयर टीचर हो और वो उसकी स्टूडेंट। अविरन उसके हाथ पर पट्टी कर खड़ा होके टेबल से पानी का ग्लास लेके उसे देके बोला, इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो छुटकू, तुम जितनी मासूम हो उतनी ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया मतलबी लोगों से भरी हुई है जहाँ सब अपने मतलब के लिए दूसरों को नीचे रखने की कोशिश करते हैं। वो लोग हमेशा कमजोरों का फायदा उठाते हैं और खुद को स्ट्रोंग दिखाते हैं। अविरन उसके हाथ पर पट्टी कर खड़ा होके टेबल से पानी का ग्लास लेके उसे देके बोला, इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो छुटकू, तुम जितनी मासूम हो उतनी ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया मतलबी लोगों से भरी हुई है जहाँ सब अपने मतलब के लिए दूसरों को नीचे रखने की कोशिश करते हैं। वो लोग हमेशा कमजोरों का फायदा उठाते हैं और खुद को स्ट्रोंग दिखाते हैं। जानती हो छुटकू, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम बहुत मासूम हो, ये अच्छा भी है और बुरा भी। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो अच्छा लगता है कि इस मतलब से भरी दुनिया में कोई तो इतना मासूम साफ दिल भी है। तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी इस झील सी प्यारी आंखों में दिखती है जिसे पहली बार देख में भी उसमें खोसा गया था। अविरन उस दिन को याद करके बोला, जब उसने तापसी को पहली बार अपनी गाड़ी के सामने देखा था, उसकी झील सी प्यारी आंखें उस वक्त इतनी ही डरी हुई थी जितना अभी है। अविरन जो कभी किसी लड़की की ओर अट्रैक्ट नहीं हुआ, वो एक पल में तापसी की आंखें देख अट्रैक्ट हो गया था। तापसी को उसने उसके बेहोश होने से पहले देखा था जब वो बेहोश हो गई थी और वो उसे अपने विला लेके गया था। अविरन तापसी के पास बैठ गया। तापसी ने बिना कुछ बोले उसकी गोद में सर रख लिया। इस वक्त उसे अविरन से कोया
गलत वाइब नहीं आ रही थी उसे, अविरुन के टच से सेफ फील हो रहा था जो पहले समय से होता था। वो थोड़ी देर पहले जो हुआ उसे शांत हो रही थी, ये बात अविरुन भी देख सकता था। उसका रोना बंद हो चुका था, यही अविरुन को हल्का सुकून दे रहा था। अविरुन उसके सर पर हाथ फिरा के बोला, यहाँ मासूम लोगों को सब कमजोर समझते हैं, उन सबके लिए ये एक मजाक है और कुछ घटिया लोगों के लिए ये सब एक खिलौने की तरह है। अविरुन का घटिया से सीधा मतलब समय से था, जो वो साफ बोलना तो चाहता था लेकिन तापसी को फिर से रुलाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसका नाम नहीं लिया। छुटकू तुम मासूम हो ये बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ मासूमियत के साथ चालाकी भी जरूरी है, वरना दुनिया तुम्हारा फायदा उठाएगी। तुम्हें खुद खड़ा होना होगा, अगर इस दुनिया के लोगों से खुद को, खुद की मासूमियत को बचाना है तो खुद लड़ना होगा। यहाँ कोई तुम्हारी तब तक मदद करेगा जब तक वो जिंदा है, लेकिन वो नहीं रहा तो तुम किसके पास जाओगी। मैंने मेरे दोनों भाई को बचपन से सब सिखाया, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनको सब चीज की ट्रेनिंग दिलवाए, उनको हर तरह से तैयार किया ताकि इस दुनिया के लोग उसका फायदा ना उठा सके, लोग उनको कमजोर ना समझ सके। तापसी व्योम व्योम का नाम सुन अविरुन की गोद से सर उठा के बोली, क्या आप हमें उनके पास ले चलोगे, मुझे उनसे मिलना है। उन्होंने कहा था वो मुझे कार चलाना सिखाएंगे, अपने साथ कॉलेज ले जाएंगे, मुझे फाइट करना सिखाएगा और गेम भी खेलना सिखाएंगे। अविरुन उसकी बात सुन मुस्कुराया और कहा, तुमको कॉलेज जाना है। तापसी तुरंत अपना सर हां में सर हिलाने लगी और बोली, मैं कभी कॉलेज नहीं गई, क्या आप मुझे कॉलेज ले जाओगे एक बार प्लीज। तापसी ने ये बात इतनी मासूमियत से कही कि अविरुन का दिल एक पल के लिए धक उठ, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गलत नहीं था, वो सिर्फ तापसी की मासूमियत पर मुस्कुरा रहा था। उसने उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, कॉलेज दिन के लिए नहीं जाते, वहां तब तक जाना पड़ता है जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, इसलिए अब आप जब तक मुंबई में है तब तक यहाँ की कॉलेज में पढ़ोगी, फिर अमेरिका जाके वहां की कॉलेज में मैं आपको कॉलेज की सारी पढ़ाई करवाऊंगा, घर पर भी और कॉलेज में भी, और बाकी सारी चीजें भी सिखाऊंगा, तुम सीखोगी ना। तापसी तुरंत खड़ी होके अच्छे बच्चे की तरह अपना सर दो तिल बार हिलाया और मासूमियत से बोली, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, आप जो बोलो मैं सब करूंगी, आप मुझे फाइट करना, कार चलाना और गेम खेलना सिखाना और पढ़ाई इतुसी। वो अपनी पहली और दूसरी उंगली से छोटी सी जगह बना के बोली, बस इतुसी सिखाना। अविरुन उसकी बात सुन उसकी उंगली देख खुद को हंसने से रोक नहीं पाया, जिस तरह तापसी पढ़ाई का नाम लेके मुंह बना रही थी उसे देख अविरुन की हंसी निकल गई। अविरुन को उसकी हरकत देख इतना तो समझ आ गया कि तापसी को भी पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके दोनों भाइयों की तरह। तापसी उसे हंसता देख सर झुका के अपने बालों से खेलने लगी। अविरुन उसकी मासूमियत देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, वो खड़ा होके उसके बालों में हाथ फेर के बोला, ठीक है मैं मेरी छुटकू आपको पढ़ाई इतुसी सिखाऊंगा, वो भी तापसी की तरह दो उंगली की बीच छोटी सी जगह कर बोला। तापसी उसकी बात सुन खुशी से उछल पड़ी। तापसी कॉलेज जाने की बात सुन इतना खुश हुई कि वो समय ने जो किया वो भी भूल गई। जब वरुण अंदर आया तो तापसी को खुश देख उसने चैन की सांस ली। उसे तापसी की फिक्र हो रही थी, जब से उसने वो सब देखा उसे तापसी के दर्द का एहसास हो रहा था। वो अपनी क्यूटी को इतने दर्द में तड़पते देख नहीं सकता था, इसलिए उसने समय से ऐसे बिहेव किया। वरुण तापसी को अपनी सगी बहन मानता है। वरुण तापसी अविरुन के पास आके मुस्कुरा के बोला, क्या बात है मेरी क्यूटी पाई, किस बात पर इतनी मुस्कुरा रही है। तापसी वरुण की आवाज सुन उसे देख उसके सीने से लग के बोली, वरुण भाई, वरुण भाई आपको पता है मैं कल से कॉलेज जाऊंगी और अच्छे वाले डेविल मुझे फाइट करना, कार चलाना और गेम खेलना सिखाएंगे। वरुण तापसी की बात सुन उसके चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तापसी के सर पर हाथ फेर के कहा, अच्छा तो हमारी क्यूटी को पढ़ाई करनी है, नहीं पढ़ाई तो इत्तू सी करनी है, बाकी सब सीखना है। तापसी ने वरुण की बात पर टपाक से जवाब दिया, फिर अपना सर झुका लिया। वरुण उसकी बात सुन हंस पड़ा। उसे अच्छे से पता था तापसी को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो सिर्फ
कॉलेज घूमने जाना चाहती है और कुछ नहीं करना। वरुण अविरन तापसी की मासूमियत देख खुश थे और उतने ही परेशान भी। तापसी वरुण से अलग होके बोली, मैं ये बात दादा को बता के आती हूँ। इतना बोल वो भागते हुए वहां से चली गई। वरुण ने उसे भागते देख आवाज लगा के कहा, क्यूटी भागो मत, चल के जाओ वरना गिर जाओगी। तापसी भागते हुए, नहीं गिरूगी भाई। अविरन तापसी के जाने के बाद सीरियस होके वरुण से बोला, क्या हुआ था? तापसी भागते हुए, नहीं गिरूगी भाई। अविरन तापसी के जाने के बाद सीरियस होके वरुण से बोला, क्या हुआ था? वरुण ने गहरी सांस लेके जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात अविरन को बता दी। जिसे सुन अविरन के हाथों की मुठिया कस गई, उसकी आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से में चिल्ला के बोला, घटिया इंसान, गिरा हुआ आदमी, वो इतना गिरा हुआ निकलेगा? मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे लगता था वो कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन उसे लड़की से सच्चा प्यार करता है। लेकिन वो तो सिर्फ गिरा हुआ नहीं, उसे भी ज्यादा गिरा हुआ निकला। उसे गिरा हुआ इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा जो अपने प्यार के होते हुए दूसरी जगह मुंह मारे। वरुण गहरों सांस लेके खिड़की के पास जाके बोला, इसलिए मैं चाहता हूँ वो मेरी क्यूटी से दूर रहे, वो क्यूटी के करीब ना जाए। मैं उसे उसके करीब तो क्या उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा, अविरन ने गुस्से में दांत पीस के कहा। दूसरी ओर समय शहर से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा था, जहां से गहरा समुद्र साफ नजर आ रहा था। इस वक्त वो बिल्कुल शांत था। उसके एक हाथ में अल्कोहल की बोतल थी और दूसरे में सिगरेट। उसकी आंखें दिन में भी चमक रही थी। समय की कार पहाड़ी की चोटी से थोड़ी दूरी पर रखी हुई थी, जिसकी बोनट से टेक लगा के समय खड़ा हुआ कभी सिगरेट की कष्ट लेता तो कभी अल्कोहल पीता। आज उसके साथ कोई गादोस नहीं थे, वो बिल्कुल अकेला था। पहली बार वो इतना खामोश था। समय के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, सिवाय उसकी आंखें लाल थी, जिसमें गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। समय जलती सिगरेट को, फेक वाइन की बोतल को मुंह से लगा के एक ही सांस में आधी बोतल खाली कर दी और गुस्से में उसे जमीन पर फेंक जोर से चिल्लाया, आ। समय की चीख सुन आसपास पेड़ों पर बैठे पंछी भी अपना घोंसला छोड़ उड़ने लगे। उसकी चीख इतनी दर्दनाक खौफनाक थी कि समुद्र की लहरी भी और ऊंची उठी। समय धम से अपने घुटनों पर बैठ गया और अपना सर पकड़ के चिल्लाया, क्यों क्यों क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जब मेरी बटरफ्लाई मेरे पास थी तो मैं किसी और के करीब कैसे कैसे जा सकता हूँ? कैसे कैसे कैसे, हाउ डू दिस? समय बुरी तरह अपने बालों को खींच के बोल रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्से के साथ गिल्टा भी था। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकल गालों पर आ गई। ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है, ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है। जब मेरी बटरफ्लाई ने मुझे अपना लिया, मुझसे अपना प्यार कबूल किया, तो मुझे क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? जब वो अपना प्यार मुझे दे रही थी तो क्या जरूरत थी अपनी? बोलते बोलते वो रुक गया। उसके मुंह से वो बात ही नहीं निकल रही थी जो उसने की है, तो वही चीज तापसी ने अपनी आंखों से देखी है। यही सोच समय को खुद से नफरत हो रही थी। उसने अपनी लाल आंखों से चिल्ला के कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं अपनी बटरफ्लाई को खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। वो सिर्फ मेरी है, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मेंसन में इलियाना अपने कमरे में बिस्तर पर लेट जोर जोर से हंसी रही थी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो हंसते हुए किसी पागल की तरह लग रही थी। उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी। वो हंसते हुए एकदम से बैठ गई और गुस्से में समय की फोटो को देख बोली, बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, बहुत बड़ी। आपने मेरी जगह किसी और को देके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। जो हक, जो प्यार मेरा था, आपने उसे उस दो कोरी की लड़की को दे दिया। और मुझ पर, इलियाना मल्होत्रा पर हाथ उठाया, गलत किया, बहुत गलत किया। मैं आपको इस थप्पड़ का जवाब सुध समेत दूंगी। आपको फिर से उस लड़की से अलग कर दूंगी, जैसे पहले किया था। आपको फिर से अकेला कर दूंगी। आप कभी खुश नहीं रह सकते, आपको सिर्फ मेरे साथ खुश रहना होगा। जो भी लड़की आपकी जिंदगी में आएगी वो मेरी पसंद की होगी, वरना नहीं होगी। फिर चाहे मुझे सबको मारना ही क्यों ना पड़े,
इतना बोल वो फिर से हंसने लगी। दूसरी ओर राहुल का रूम। तापसी राहुल को चेहकते हुए सब बता रही थी। राहुल अपनी बहन को इतना खुश देख वो भी मुस्कुरा रहा था। आज कितने महीनों बाद उसकी छोटी बहन उसके पास है और खुश है। तापसी ने राहुल को हग कर सारी बातें बताई। कैसे वो कॉलेज जाएगी, फिर फाइट करेगी, गाड़ी चलाएगी और गाड़ी लेके डिज्नी लैंड जाएगी। राहुल उसकी बात सुन मुस्कुरा के बोला, क्यूटी आप डिज्नी लैंड गाड़ी लेके कैसे जाओगी, उसके लिए तो प्लेन में जाना होगा। इस पर तापसी मासूद से सर हिला के बोली, तो आपकी क्यूटी प्लेन उड़ाना भी सीख जाएगी, फिर डिज्नी लैंड जाएगी। राहुल उसकी मासूद भरी बातें सुन मुशाकुर दिया। तापसी और भी बातें राहुल को बताने लगी। राहुल एक हाथ से उसके बालों को सहलाने लगा। रात का वक्त। तापसी बातें करते करते राहुल के कमरे में ही सो गई थी। वरुण अविरन बीच में एक दो बार उसे देखने आए। उसे अपने भाई के हाथ पर सर रख सोता देख कुछ नहीं कहा। सिफे दोनों को ब्लैंकेट कवर कर चले गए। राहुल को दवाई के कारण जल्दी ही नींद आ गई और तापसी भी चुकी थी। समय का रूम। समय को आज नींद नहीं आ रही थी। वो बेचनी से यहाँ से वहाँ चल रहा था। उसने अपनी शर्ट भी निकाल फेंकी थी और पैंट भी। वो इस वक्त सिफे बॉक्सर में था। बिना तापसी के उसकी नींद भी गायब हो चुकी थी। उसे तापसी की लत लग चुकी थी। बिना उसे प्यार किए, बिना उसे बाहों में भरे उसे चैन नहीं मिलने वाला था। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर। तापसी भागते हुए नहीं गिरूगी भाई। अविरन तापसी के जाने के बाद सीरियस होके वरुण से बोला, क्या हुआ था। वरुण ने गहरी सांस लेके जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात अविरन को बता दी। जिसे सुन अविरन के हाथों की मुठिया कस गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से में चिल्ला के बोला, घटिया इंसान, गिरा हुआ आदमी, वो इतना गिरा हुआ निकलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता था वो कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन उसे लड़की से सच्चा प्यार करता है। लेकिन वो तो सिर्फ गिरा हुआ नहीं, उसे भी ज्यादा गिरा हुआ निकला। उसे गिरा हुआ इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा जो अपने प्यार के होते हुए दूसरी जगह मुंह मारे। वरुण गहरों सांस लेके खिड़की के पास जाके बोला, इसलिए मैं चाहता हूँ वो मेरी क्यूटी से दूर रहे, वो क्यूटी के करीब ना जाए। मैं उसे उसके करीब तो क्या उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगा, अविरन ने गुस्से में दांत पीस के कहा। दूसरी ओर समय शहर से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा था, जहां से गहरा समुद्र साफ नजर आ रहा था। इस वक्त वो बिल्कुल शांत था। उसके एक हाथ में अल्कोहल की बोतल थी और दूसरे में सिगरेट। उसकी आंखें दिन में भी चमक रही थी। समय की कार पहाड़ी की चोटी से थोड़ी दूरी पर रखी हुई थी, जिसकी बोनट से टेक लगा के समय खड़ा हुआ। कभी सिगरेट की कष्ट लेता तो कभी अल्कोहल पीता। आज उसके साथ कोई गादोस नहीं थे, वो बिल्कुल अकेला था। पहली बार वो इतना खामोश था। समय के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, सिवाय उसकी आंखें लाल थी, जिसमें गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। समय जलती सिगरेट को, फेक वाइन की बोतल को मुंह से लगा के एक ही सांस में आधी बोतल खाली कर दी और गुस्से में उसे जमीन पर फेंक जोर से चिल्लाया, आ। समय की चीख सुन आसपास पेड़ों पर बैठे पंछी भी अपना घोंसला छोड़ उड़ने लगे। उसकी चीख इतनी दर्दनाक खौफनाक थी कि समुद्र की लहरी भी और ऊंची उठी। समय धम से अपने घुटनों पर बैठ गया और अपना सर पकड़ के चिल्लाया, क्यों क्यों क्यों, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, जब मेरी बटरफ्लाई मेरे पास थी तो मैं किसी और के करीब कैसे कैसे जा सकता हूँ, कैसे कैसे कैसे, हाउ डू दिस। समय बुरी तरह अपने बालों को खींच के बोल रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्से के साथ गिल्टा भी था। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकल गालों पर आ गई। ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है, ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है, जब मेरी बटरफ्लाई ने मुझे अपना लिया, मुझसे अपना प्यार कबूल किया तो मुझे क्या जरूरत थी उसके पास जाने की, जब वो अपना प्यार मुझे दे रही थी तो क्या जरूरत थी। अपनी बोलते बोलते वो रुक गया। उसके मुंह से वो बात ही नहीं निकल रही थी जो उसने की है, तो वही चीज तापसी ने अपनी आंखों से देखी है। यही
सोच समय को खुद से नफरत हो रही थी। उसने अपनी लाल आंखों से चिल्ला के कहा, नहीं नहीं कभी नहीं, मैं अपनी बटरफ्लाई को खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, वो सिर्फ मेरी है, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मेंसन में इलियाना अपने कमरे में बिस्तर पर लेट जोर जोर से हंसी रही थी, उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी, वो हंसते हुए किसी पागल की तरह लग रही थी, उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी। वो हंसते हुए एकदम से बैठ गई और गुस्से में समय की फोटो को देख बोली, बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, बहुत बड़ी, आपने मेरी जगह किसी और को देके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। जो हक जो प्यार मेरा था आपने उसे उस दो कोरी की लड़की को दे दिया। और मुझ पर इलियाना मल्होत्रा पर हाथ उठाया, गलत किया, बहुत गलत किया, मैं आपको इस थप्पड़ का जवाब सुध समेत दूंगी, आपको फिर से उस लड़की से अलग कर दूंगी, जैसे पहले किया था आपको फिर से अकेला कर दूंगी, आप कभी खुश नहीं रह सकते, आपको सिर्फ मेरे साथ खुश रहना होगा, जो भी लड़की आपकी जिंदगी में आएगी वो मेरी पसंद की होगी, वरना नहीं होगी, फिर चाहे मुझे सबको मारना ही क्यों ना पड़े। इतना बोल वो फिर से हंसने लगी। दूसरी ओर राहुल का रूम, तापसी राहुल को चेहकते हुए सब बता रही थी, राहुल अपनी बहन को इतना खुश देख वो भी मुस्कुरा रहा था। आज कितने महीनों बाद उसकी छोटी बहन उसके पास है और खुश है। तापसी ने राहुल को हक कर सारी बातें बताई, कैसे वो कॉलेज जाएगी, फिर फाइट करेगी, गाड़ी चलाएगी और गाड़ी लेके डिज्नी लैंड जाएगी। राहुल उसकी बात सुन मुस्कुरा के बोला, क्यूटी आप डिज्नी लैंड गाड़ी लेके कैसे जाओगी, उसके लिए तो प्लेन में जाना होगा। इस पर तापसी मासवत से सर हिला के बोली, तो आपकी क्यूटी प्लेन उड़ाना भी सीख जाएगी, फिर डिज्नी लैंड जाएगी। राहुल उसकी मासवत भरी बातें सुन मुशाकुर दिया। तापसी और भी बातें राहुल को बताने लगी। राहुल एक हाथ से उसके बालों को सहलाने लगा। रात का वक्त, तापसी बातें करते करते राहुल के कमरे में ही सो गई थी। वरुण अविरन बीच में एक दो बार उसे देखने आए, उसे अपने भाई के हाथ पर सर रख सोता देख कुछ नहीं कहा, सिफ़े दोनों को ब्लैंकेट कवर कर चले गए। राहुल को दवाई के कारण जल्दी ही नींद आ गई और तापसी भी चुकी थी। समय का रूम, समय को आज नींद नहीं आ रही थी, वो बेचनी से यहाँ से वहाँ चल रहा था, उसने अपनी शर्ट भी निकाल फेंकी थी और पैंट भी, वो इस वक्त सिफ़े बॉक्सर में था। बिना तापसी के उसकी नींद भी गायब हो चुकी थी, उसे तापसी की लग चुकी थी, बिना उसे प्यार किए, बिना उसे बाहों में भरे उसे चैन नहीं मिलने वाला था। समय बिस्तर पर लेट अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। रात के 12 बजे थे और कल से वो ठीक से सोया नहीं था, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसका शरीर तो थक चुका था, लेकिन सुकून का नामो निशान नहीं था। उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने तापसी का मासूम सा चेहरा नजर आया। उसने खुद से कहा, सॉरी बच्चा, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरे पास लौट आओ, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, प्लीज लौट आओ, मुझसे गलती हो गई, मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारे डेविड के पास मेरी बटरफ्लाई के अलावा कोई नहीं आएगा। आज तो तुम्हारे डेविड को तुम्हारे बिना नींद भी नहीं आ रही, प्लीज अपने डेविड के पास लौट आओ बच्चा, आपके डेविड को आपकी जरूरत है। इतना बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू की दो बूंद निकल आए। समय की आंखों में उसका गिल्ट साफ नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त खुद को बेबस महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था कि तभी समय को अपने ऊपर किसी के होने का एहसास हुआ। उसे अपने ऊपर वेट महसूस होते ही तुरंत आंखें खोल दी। समय अपने ऊपर देख हैरानी से आंखें बड़ी कली और बोला, बटरफ्लाई जी हाँ, समय के ऊपर कोई और नहीं, उसकी बटरफ्लाई, उसकी तापसी बेदी हुई थी। उसकी आंखों में भर भर के आंसू थे जो उसकी आंखों से निकल गालों पर आ रहे थे। समय अपने सामने अपने प्यार का चेहरा देख उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसके दिल में सुकून की एक लेहा सी दौड़ गई, लेकिन जैसे ही समय ने उसकी आंखों में आंसू देखे वो परेशान हो उठा। उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई और परेशानी की लकीरें आ गई। वो तापसी को कमर से पकड़, बच्चा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो,
तापसी रोते हुए उसके सिने पर मरने लगी और बोली, आप बहुत गंदे हो, मैं वहां आपको धुन रही थी और यहां आप अकेले सो गए, आपको अपनी बटरफ्लाई के बिना कैसे नींद आ सकती है, आप तो हमेशा मुझे पकड़ के सोते हो, फिर आपको मेरे बिना नींद कैसे आई, अब आप मुझे अब प्यार नहीं करते, आपने मुझे फिर से छोड़ दिया, आप बुरे डेविड हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, तापसी समय के सिने पर मारते हुए शिकायत कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल समय के खुले सिने पर गिर रहे थे। समय अपने बच्चे की शिकायतें सुन हैरान था, उसे तो लगा था वो उसे नाराज होगी, उसे देखना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि उसने जो गलती की है वो किसी भी लड़की के लिए भूलना आसान नहीं है, लेकिन उसकी मासूम सी बटरफ्लाई उसे इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो उसके बिना सो रहा था, उसे अपनी बटरफ्लाई की मासूमियत पर भी प्यार आ रहा था और खुद पर गुस्सा भी, अब वो उसे कैसे बताए कि वो सो नहीं रहा था, तर्क रहा था अपनी बटरफ्लाई के लिए, उसके बिना सोना उसके लिए आसान नहीं था। तापसी उसके सिने पर मारते हुए रोके बोली, आप बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो, आप हमेशा गंदी दीदी के पास जाते हो और फिर मुझे रुलाते हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, पक्का मैं आपको छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फिर बटरफ्लाई समय गुस्से में चिल्लाया, तापसी ने जैसे ही जाने की बात की, समय का गुस्सा एक बार फिर उस पर हावी हो गया, समय की आंखें शद हो गई। समय तापसी को खींच अपने ऊपर पूरी तरह लेता के उसे कस के अपने सिने में भर लिया और शद में बोला, आज के बाद मुझसे दूर जाने की बात तो दूर, ख्याल तक भी अपने इस छोटे से दिमाग में लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बटरफ्लाई। तापसी समय के चिल्लाने से डर गई और वो समय के सिने में मुंह छुपा के सुबकने लगी। समय को जब अपने सिने पर कुछ गीला गीला सा फील हुआ, तब जाके उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में फिर से अपने बच्चे को डरा दिया। वो खुद कोसते हुए, सिट मैंने फिर से अपने बच्चे को डरा दिया, वोट धफक। समय को इस वक्त खुद पर गुस्सा आ रहा था। समय खुद को सांट कर तापसी की पीठ से हिला के उसके सर को चुमके बोला, सॉरी बच्चा, सो सॉरी, वो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, लेकिन अब मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा, मैं अपनी बटरफ्लाई पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा, मैं उसे बहुत प्यार करूँगा, इतना प्यार करूँगा कि मेरा बच्चा थक जाएगा और मुझे कसके जकड़ लेगा। तापसी सुबकते हुए अपना सर उठा के समय के चेहरे को देख मासूमियत से बोली, सच्ची। समय उसका चेहरा अपने हाथों में लेके उसके होठों पर हल्का सा किस कर उसे पलट, तापसी को अपने नीचे कर खुद उसके ऊपर आ गया। उसका छोटा सा चेहरा हाथों में भर के बारी बारी उसकी दोनों गीली पलकों को चुम लिया और कहा, सॉरी बच्चा, मैं अब आप पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे छोड़ के जाने की बात की तो गुस्सा आ गया। समय तापसी को टाइट हग कर उसे खुद से पूरी तरह चिपका के बोला, तुम जानती हो ना बच्चा, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आपके बिना मेरी रातों की नींद नहीं होती तो फिर आप कैसे सोच सकती हो, आपका हबी आपके बिना सोया होगा, तो क्या आप नहीं सोए थे, तापसी ने मासूमियत से पूछा तो समय ने मुस्कुरा के नामे सर हिला दिया। समय के उदास चेहरे पर फिर से सुकून लौट आया था। तापसी उसे एक टक देख फिर से उसे पलट उसके ऊपर आके बैठ गई। समय जो हल्का सा ही उस पर झुका हुआ था तापसी के अचानक उसे पलटने से हैरान हो गया। समय की आंखें बरी हो गई। समय की बोदी के सामने तापसी कुछ भी नहीं थी। कहा, समय मिशलमेन बाइसेप एट एप्स मस्क्यूलर बोदी वाला और कहा, तापसी जीरो फिंगर की मल्लिका, उसका समय ऐसे पलट उसके ऊपर आना छोटी बात नहीं थी, ये देख समय खुद ही हैरान था। तापसी समय के ऊपर आलती पालती मार के बैठ गई, यहाँ तक उसने अपने हाथ भी फोल्ड कर दिए। समय के हाथ खुद ही उसकी कमर को होल्ड किए हुए थे जिसे वो गिरे ना, इसलिए तापसी आराम से समय पर बेदी हुई थी। तापसी मासूमियत भरी मुस्कुराहट लाके समय को देखते हुए बोली, आपने कहा था डेविड आप रात को मुझे प्यार करोगे, अब मुझे प्यार कीजिए, जैसे मैंने सुबह आपको किया था। समय ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसकी आंखें हैरानी और बरी हो गई। वो पहली बार इतना सोकत था, इतना सोकत तो वो तब भी नहीं था जब तापसी ने उसे दूसरी लड़की के साथ देखा था, तब उसे खुद पर गुस्सा आया था, लेकिन अभी
वो सोकत था, अभी उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे, हंसे या अपनी बटरफ्लाई के छोटे से दिमाग को चेक करे, कहीं कोई स्क्रू तो ढीला नहीं हो गया। समय तापसी को देख मन में इस लड़की को मेरे प्यार करने वाली बात याद है, लेकिन जो उसने उसके बाद किया वो याद नहीं। ये बेवकूफ है फिर खुद से ही। नहीं नहीं, मेरी बटरफ्लाई बेवकूफ नहीं हो सकती, वो तो मासूम है, मेरा मासूम बच्चा। ये बोल उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। समय अपनी ही सोच में था कि तभी उसकी जोर से चिख निकल गई, आहा बटरफ्लाई। तापसी अपनी आंखें छोटी कर समय को घूर के मासूमत से बोली, आप उस गंदी दीदी के साथ क्या कर रहे थे डेविड? समय दर्द से तापसी का हाथ पकड़ हल्के गुस्से से, बच्चा गलत बात है, ऐसे नहीं करते। और मन में खुद से, अब इसे याद आया क्या? तापसी सवालिया नजरों से समय को देख के मासूमत से बोली, क्यों, वो दीदी तो कर रही थी, तब तो आप उन पर गुस्सा नहीं किया? उसकी मासूमत भरी बात सुनते ही समय की बोलती ही बंद हो गई। तापसी का सीधा सवाल वो भी इतने मासूमत के साथ सुन उसकी सांसे ही गले में ही अटक गई। उसे डर लगने लगा कहीं उसकी बटरफ्लाई फिर से उसे नाराज होके चली ना जाए, इसलिए उसकी पकड़ भी तापसी की कमर पर कस गई। अब वो उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था, अब तापसी उसका जुनून ही नहीं निद भी बन चुकी थी। उसके बिना एक रात बिताना कितना मुश्किल था उसने देख लिया था। तापसी उसे चुप देख उसके गले पर जोर से बाइट कर बोली, बोलो ना डेविड, आप दीदी के साथ क्या कर रहे थे? समय उसके बाइट करने से अपने होश में आके अपनी गर्दन पर हाथ रख, बिल्ली के बच्चा, आपने मुझे बाइट क्यों किया? और ये क्या बात कर रही हो? तुमने खुद मुझे देखा था मैं क्या कर रहा था, और तुम इसलिए रोते हुए वहां से चली गई थी, फिर ये सवाल क्यों? अगर आपको अपने डेविड पर गुस्सा करना है तो करो, मुझे मारना हो तो वो भी करो, लेकिन मुझसे दूर जाने का सोच ना भी मत। में अपनी बटरफ्लाई के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। अगर तुमने मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा। समय ने ये बात बोलते हुए अपनी नजरें फेरी, उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो तापसी से नजरें भी मिला सके, लेकिन उसके हाथ तापसी की कमर पर और भी टाइट हो चुके थे, जिसे तापसी को दर्द भी होने लगा। तापसी उसकी बात सुन अपना मुंह बच्चों जैसे बना के बोली, मैं आपको छोड़ के क्यों जाऊंगी डेविड, कभी नहीं जाऊंगी। मुझे बताए ना डेविड, आप दीदी के साथ क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता, मैं तो इसलिए रो रही थी क्योंकि आप किसी और दीदी के पास थे, वो भी इतना, उसने अपने दोनों हाथ क्लोज कर कहा और फिर से रोने लगी। जीन से देख समय एक बार फिर सोकत हो गया, तब जाके उसे समझ आया कि उसकी बटरफ्लाई ने कभी दुनिया नहीं देखी, उसे पता ही नहीं था। समय ने उसे धोखा दिया, उसके साथ शादी कर प्यार का वादा कर किसी दूसरी औरत पास गया, वो तो सिर्फ इसलिए रोई थी क्योंकि वो दूसरी लड़की के करीब था। समय को अब खुद से नफरत हो रही थी, वो अपनी मासूम सी बटरफ्लाई को धोखा दे रहा था, जिसके धोखा होता क्या है वही नहीं होता। वो इन सब के लिए सच में छोटी है, उसका दिमाग अभी तक बाहरी लोगों जैसा नहीं हुआ, वो आज भी बच्ची है, उसका दिल मन बच्चों जैसा साफ है। तापसी की जिंदगी के 18 साल किसी कैद में बिताए सजा जैसे थे, जो सजा तो थी लेकिन ऐसी सजा जिसे भुगतने वाले को ही नहीं पता था कि वो सजा में है। तापसी ने अपने बचपन से लेके टीनेजर तक सिर्फ वही देखा जो समय राहुल वरुण ने उसे दिखाया। उन तीनों की गलती बोलो या बेवकूफी जो आज तापसी ऐसी है, उन तीनों ने उसे कभी अपनी लाइफ खुद से जीने नहीं दी। वो मासूम और नादान 18 साल के होने के बाद भी बाहरी दुनिया से अनजान थी। उसकी मासूमत उसके चेहरे पर किसी आईने की तरह दिखती है। समय को अब खुद से नफरत हो रही थी, वो अपनी मासूम सी बटरफ्लाई को धोखा दे रहा था, जिसके धोखा होता क्या है वही नहीं होता। वो इन सब के लिए सच में छोटी है, उसका दिमाग अभी तक बाहरी लोगों जैसा नहीं हुआ, वो आज भी बच्ची है, उसका दिल मन बच्चों जैसा साफ है। तापसी की जिंदगी के 18 साल किसी कैद में बिताए सजा जैसे थे, जो सजा तो थी लेकिन ऐसी सजा जिसे भुगतने वाले को ही नहीं पता था कि वो सजा में है। तापसी ने अपने बचपन से लेके टीनेजर तक सिर्फ वही देखा जो समय राहुल वरुण ने उसे दिखाया। उन तीनों की गलती
बोलो या बेवकूफी जो आज तापसी ऐसी है उन तीनों ने उसे कभी अपनी लाइफ खुद से जीने नहीं दी। वो मासूम और नादान 18 साल के होने के बाद भी बाहरी दुनिया से अनजान थी। उसकी मासूमियत उसके चेहरे पर किसी आईने की तरह दिखती है। पहले 5 साल समय ने उसे अपने विला में अपनी छोटी सी दुनिया बना के उसमें कैद रखा, जहां से उसे बाहर जाना तो दूर विला की बालकनी में जाने की भी इज्जत नहीं थी। समय के अलावा किसी को इज्जत नहीं थी उसे देखने की। समय ने उसे एक डोल की तरह सबसे छुपा के रखा था। उसके बाद राहुल ने अपने बायोलॉजिकल पिता के डर से तापसी को अपनी कैद में रखा, वो भी पूरे 12 साल। उसके बाद तापसी को वरुण के पास भेजा, जहां से वरुण ने उसकी मुलाकात सिद्धार्थ से करवाई ताकि वो समय के सामने किसी अजनबी की तरह आ सके। वो चाहता तो तापसी को सीधा उसके पास ले जा सकता था, लेकिन फिर कुछ सोच प्लेन बदल दिया। अविरन ने तापसी को लेके जो भी तय किया है अब वही तापसी को खुद के पैरों पर खड़ा कर सकता है, लेकिन ये तब होगा जब समय राहुल मानेगे, और वो मानेगा या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। तापसी अपना हाथ फिर से गलत जगह रख बोली, आप कहाँ खो जाते हो डेविड? मैंने आपसे कुछ पूछा, मुझे उसका जवाब दो ना। समय एक बार फिर दर्द से कराहते हुए बोला, बच्चा आप हबी को हट कर रही हो। तापसी मासूमियत से कैसे डेविड, में तो आपको मार भी नहीं रही, फिर आपको हट कैसे करूंगी? समय उसका हाथ फिर से पकड़ गहरी सांस लेके, आपके इन छोटे हाथ मुझे हट कर रहे हैं। लेकिन तापसी की बात भी सच थी, वो उसे हट नहीं कर रही थी, ना ही समय हट हो रहा था। वो सिर्फ तापसी के छूने से अपने कंट्रोल से बाहर होने लगा था, जो उसे बेचैन कर रहा था। उसकी आंखों में उसकी तरफ साफ नजर आ रही थी। समय तापसी के दोनों हाथों को प्यार से बारी चुमके बोला, बच्चा आप बहुत स्वीट हो डिस स्ट्रॉबेरी, लेकिन आप अभी जो कर रही थी वो आपके हबी को हट कर रहा था। तापसी मासूमियत आपको हट हुआ हबी में, आपको वहां किसी कर दूं फिर आपको हट नहीं होगा। उसकी बात सुन समय की आंखें इंटेंस हो गई। वो तापसी की झील सी आंखों में देख बिना कुछ बोले उसे खींच के अपने सीने से लगा लिया। तापसी उसके ऊपर पूरी तरह लेट गई। उसके दोनों पैर समय के पैरों के बीच थे, जिसे समय ने अपने पैरों से जकड़ लिया और एक हाथ से उसकी कमर और दूसरे हाथ से उसका सर अपने सीने से पूरी तरह चिपका लिया। फिर धीरे से एक कर तापसी के सारे कपड़े अलग कर दोनों पर ब्लेनकेट डाल दोनों को कवर कर लिया। समय के हाथ तापसी की पीठ को सहला रहे थे। तापसी को समय के साथ रहते रहते बिना कपड़ों के सोने की आदत हो चुकी थी। अब उसे उतनी शमा नहीं आती थी जितनी पहले आती थी। अब वो बिना कपड़ों के ही पाती थी, वरना उसे कभी नींद नहीं आती। समय की कुछ बुरी आदत तापसी पर भी अपना असर छोड़ रही थी। अब समय के चेहरे पर बेचैनी की कोई लकीरें नहीं थी, अब वहां सुकून था। वो भी दुनिया भर का उसका बच्चा जो उसके पास लौट आया था, वो भी बिना किसी जबरदस्ती के। समय ने तापसी को इतनी कसके पकड़ा था कि जैसे वो थोड़ी भी ढील देगा तो तापसी उसे दूर चली जाएगी। तापसी को हल्का दर्द हो रहा था, उसकी जान निकल रही थी। वो कसमसा के बोली, आह डेविड थोड़ा धीरे पकाओ, दर्द हो रहा है। समय के कानों में जैसे ही तापसी की मीठी सी आवाज गई, उसने तापसी पर ना ही अपनी पकड़ ढीली की ना ही उसे दूर किया, ऊपर से उसे और कसके पकड़ लिया और उसके कानों में कहा, नहीं बच्चा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप तो डेविड की जान हो, अब पूरी लाइफ ऐसे ही डेविड के पास रहना होगा, वरना मैं उस गंदी दीदी के पास चला जाऊंगा। उसने ये बात सिर्फ तापसी को डराने के लिए बोली थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। समय ने जैसे ही दूसरी लड़की का जिक्र किया, तापसी कसमसाना छोड़ समय को कसके पकड़ लिया और डरते हुए बोली, नहीं आप क्यूटी को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, आप क्यूटी के पास रहोगे। इस पर समय के चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ गई। उसकी स्माइल कोई नॉर्मल नहीं थी। समय तिरछी स्माइल कर मन में गेम इज ऑन माई इनोसेंट लव। समय हल्का मुस्कुरा के, मन में नहीं जाऊंगा बच्चा, कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें नहीं पता तुम मेरे लिए क्या बन चुकी हो बटरफ्लाई। अब मैं तुम्हें खुद से ना ही दूर होने दूंगा, ना ही किसी को हमारे बीच आने दूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें बचपन की तरह कैद ही क्यों ना करना पड़े। तापसी समय के सीने पर उंगली फिरा के बड़ी मासूमियत से बोली, हबी मुझे आपसे कुछ कहना है।
समय आंखें बंद कर बोलो बच्चा। तापसी मासूम सी आवाज में, हबी क्या मैं कल कॉलेज जा सकती हूँ? वो बड़ी ने कहा, वो कल से मुझे कॉलेज ले जाएंगे। और समय उसकी बात बीच में काट के शद आवाज में, आपको कॉलेज जाना है तो मैं ले जाऊंगा आप किसी और के साथ कॉलेज। नहीं जाओगी, समय ने ये बात काफी शक्ति से कही। जी से तापसी से हम गई। तापसी मासूम सी आवाज में, हबी क्या मैं कल कॉलेज जा सकती हूँ? वो बड़ी ने कहा, वो कल से मुझे कॉलेज ले जाएंगे। और समय उसकी बात बीच में काट के शद आवाज में, आपको कॉलेज जाना है तो मैं ले जाऊंगा आप किसी और के साथ कॉलेज। नहीं जाओगी, समय ने ये बात काफी शक्ति से कही। जी से तापसी से हम गई। समय की आंखें कॉलेज जाने के नाम से ही खुल गई और गले हाथों की नशे तन गई। उसकी आंखें एक बार फिर गहरी लाल हो गई, जैसे तूफान के आने से पहले होती है। समय मन में, नहीं बटरफ्लाई, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, ना ही कॉलेज ना ही कहीं और, मैं तुम्हारे करीब किसी भी लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे वो तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो। तो सोचो वहां तो कितने लड़के होंगे और वो सब अपनी गंदी नजरों से तुम्हें देखेंगे, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने दे सकता, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम सिफे मेरी हो, सिफे और सिफे मेरी बटरफ्लाई, तुम्हें देखने का छूने का हक सिफे मेरा है और किसी का नहीं। और ये बात अब तुम्हें भी समझनी होगी। समय इस वक्त पहले वाले रूप में आ चुका था। उसकी आंखें जुनूनियत से भरी हुई थी, बातों से उसकी सनक झलक रही थी, उसके होंठ आपस में भींचे हुए थे, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। इन सब से खबर हमारी तापसी थोड़ी देर में समय के सिने पर ही सो गई। समय को जब उसकी सांसें धीरी होती महसूस हुई तो उसने उसे धीरे से पलट साइड में लेता के खड़ा होके पैंट पहन बिना उसकी ओर देखे कमरे निकल गया। जाते हुए उसने मिरर पर कुछ लिखा, फिर इवल स्माइल कर बोला, ये जरूरी है बटरफ्लाई, वरना तुम और तुम्हारे दिमाग में बेफिजुल बातें डालने वाले अपना सबक नहीं सीखेगे। सो रेडी हो जाओ छोटे से खेल के लिए अगली सुबह। समय का रूम। तापसी की जब आंख खुली तो वो कमरे में अकेली थी। समय पूरी रात कमरे में नहीं आया था। तापसी आंखें मलते हुए चारों ओर समय को ढूंढने लगी, लेकिन समय कमरे में कहीं नहीं दिखा। उसे लगा वो बाथरूम में होगा, तो वो खड़ी होके बाथरूम में गई, लेकिन समय उसे वहां पर भी नहीं मिला। तो ऐसे ही कमरे से बाहर निकल पूरे विला में समय को ढूंढने लगी, लेकिन समय कहीं नहीं था। उसने विला में काम करते आधे से ज्यादा सर्वेंट गादोस को रोक के पूछा, लेकिन उन्होंने भी उसे एक ही बात कही कि उनको नहीं पता बोस कहा है। तापसी ने अब तक रोना भी शुरू कर दिया था। वरुण अविरन राघव अफान जीन से वापिस आ रहे थे। तापसी को समय की सच में होल में रोते देख चारों भाग के उसके पास आए। वरुण तापसी की हालत देख परेशान होके, क्यूटी क्या हो तुम इस हालत में और रो क्यों रही हो? अविरन चुटकू, तुम तो अपने भाई के साथ सोई थी, फिर ये सच? अविरन, वरुण को समय की कल की सच याद थी, इसलिए दोनों तापसी को उसमें देख हैरान थे। उनको लगा समय ने तापसी के साथ जबरदस्ती की है, इसलिए वो रो रही है, क्योंकि उन लोगों ने जब रात को देखा था तो तापसी राहुल के पास सो रही थी। तापसी वरुण अविरन को देख रोते हुए बोली, भाई बड़ी आपने डेविड को देखा? मैं कब से उनको ढूंढ रही हूँ, वो नहीं मिल रहे। क्या? वरुण अविरन उसकी बात सुन सोकत हो गए। तापसी के मुंह से डेविड सुन चारों को झटका लगा। चारों आंखें भरी कर तापसी को घूने लगे। तापसी रोते हुए आगे बोली, कल रात में डेविड के पास सोई थी, लेकिन सुबह उठी तो डेविड कमरे में नहीं थे। तुम रात को समय के पास गई थी? वरुण ने हैरानी से पूछा, तो तापसी ने बड़ी मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया। अविरन गुस्से में तापसी पर चिल्लाया, लेकिन क्यों गई थी? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हें स्ट्रोंग बनना है, फिर तुम क्यों गई थी उस आदमी के पास? उसके इस तरह चिल्लाने पर तापसी और भी रोने लगी। वो वरुण के सीने से लग फुट फुट के रोने लगी। वरुण उसे देख गहरी सांस लेके अविरन को आंखों से शांत होने का इशारा किया, फिर तापसी से शांति सह बोला, क्यूटी आप तो कल समय से गुस्सा थी, फिर आप उनके पास क्यों गई? तापसी सुबकते हुए मासूम सी आवाज में बोली, मुझे डेविड के बिना नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उनके पास चली
गई, मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लगता, आप उनको बुला दो, मुझे डेविड चाहिए। उसी वक्त हॉल में एक दमदार आवाज गूंजी, हमारी राजकुमारी को किसने रुलाया और क्या चाहिए हमारी परी को? आवाज सुन अविरन राघव अफान की नजरें उस ओर चली गई जहां से आवाज आई थी, लेकिन वरुण आवाज सुन अंदर तक हिल गया। उसने अपनी नजर तक नहीं फेरी, उसकी पकड़ तापसी की कमर पर कस गई। तापसी का चेहरा इस वक्त वरुण के सीने पर था और वरुण ने उसे और भी कसके खुद में समेट हुआ था। अविरन सामने खड़े आदमी को देख हैरानी से आंखें भरी कर, मिस्टर रंजीत राय सिघानिया। जी हाँ, ये और कोई नहीं, रंजीत राय सिघानिया तापसी राहुल के बायोलॉजिकल फादर थे। उनके पीछे बहुत सारे आदमी खड़े थे। अविरन माफिया से था, इसलिए उसे पुराने माफिया किंग और माफिया वर्ल्ड के हेड रंजीत राय सिघानिया के बारे में पता था। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट। अविरन सामने खड़े आदमी को देख हैरानी से आंखें भरी कर, मिस्टर रंजीत राय सिघानिया। जी हाँ, ये और कोई नहीं, रंजीत राय सिघानिया तापसी राहुल के बायोलॉजिकल फादर थे। उनके पीछे बहुत सारे आदमी खड़े थे। अविरन माफिया से था, इसलिए उसे पुराने माफिया किंग और माफिया वर्ल्ड के हेड रंजीत राय सिघानिया के बारे में पता था। राघव अफान रंजीत राय को अपने सामने देख दोनों के हाथों की मुठिया कस गई। दोनों गुस्से में हाथों की मुठिया बना के रंजीत राय को देखने लगे। रंजीत राय चल के वरुण तापसी के पास आया। उसने सबसे पहले अविरन से हाथ मिलाया। अविरन उनकी काफी इज्जत करता था, इसलिए उसने उनसे मुस्कुरा के हाथ मिलाए और उनसे यहाँ आने की वजह पूछी। तो रंजीत वरुण के सीने से लगी तापसी को देखते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। अविरन बेटी सुन आसपास नजर घुमा के थोड़ा कंफ्यूज होके, कौन बेटी? रंजीत राय तापसी की ओर इशारा कर, मेरी बेटी माफिया वर्ल्ड के हेड की जान, तापसी रंजीत सिघानिया। उसने नाम लेते ही किसी ने चिल्ला के कहा, नहीं वो तेरी बेटी नहीं है। आवाज किसी और की नहीं, राहुल की थी। राहुल की बात सुन रंजीत के चेहरे पर कृपी सी स्माइल आ गई। राहुल लंगड़ाते हुए वरुण तापसी के पास आके तापसी को अपने सीने से लगा लिया। तापसी इतनी डरी हुई थी कि उसे खुद पता नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। वरुण तापसी के राहुल के पास जाते ही गुस्से में रंजीत की ओर घूम के बोला, अपनी घटिया जबान से हमारी बहन का नाम लेने की हिम्मत मत करना रंजीत राय सिघानिया, वरना यही गार दूंगा। रंजीत वरुण की धमकी सुन जोर जोर से हंसने लगा। जैसे वरुण ने कोई जोक सुनाया हो, रंजीत के आदमी ने तब तक उन सबको घेर लिया था। वहां समय का कोई भी आदमी नहीं था, सिर्फ कुछ गिने चुने नौकर थे। राहुल तापसी को अपने पीछे कर गुस्से में रंजीत राय को देख, मेरी बहन से दूर रहना वरना यही जिंदा दफना दूंगा। अपने पिता से बात करने की ये कौन सी रीत है राहुल, तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है, रंजीत ने बिना एक्सप्रेशन राहुल को देख कहा। तो राहुल गुस्से में चिल्ला के बोला, आप मेरे पिता नहीं हो, आपका सिर्फ एक खून हमारे अंदर है और कुछ नहीं, और हमारी माँ का नाम अपनी गंदी जबान से लेने की हिम्मत मत करना। रंजीत हंसते हुए, खून का रिश्ता ही सच्चा होता है और इस रिश्ते में किसी और की जरूरत नहीं होती, तुम मेरे बेटे हो और ये मेरी बेटी, यही सच है जिसे हम नहीं मानते, राहुल ने चिल्ला के कहा और तापसी को अपने छिपे छुपाने लगा। लेकिन पीछे से किसी तापसी को बालों से खींचा, जिसे तापसी की दर्दनाक चीख निकल गई। राहुल वरुण पीछे मुड़ क्यूटी, पीछे खड़ा आदमी तापसी को बालों से खींच गंदी तरह तापसी के गालों को एक हाथ से दबा के बोला, उफ़ तुम सच में कमाल हो, मन कर रहा है यही तुम्हें खा जाओ। राहुल कने मेरी बहन को छोड़, वरुण उसे छोड़ दे कने, वरना तेरी जान निकाल लूगा। राहुल वरुण दोनों आगे बढ़ते, उसे पहले रंजीत के आदमियों ने उनको पकड़ लिया। राघव अफान को पहले ही पकड़ रखा था। आदमी गंदी तरह तापसी को होठों को खींच के राहुल से बोला, रिलैक्स बड़े भाई, यहाँ आपकी बहन के साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन वहां छोड़ूंगा भी नहीं। इतना बोल उसने तापसी को रंजीत के सामने फेंका और हंसते हुए बोला, डेड फाइनली मिल गई मेरी छोटी शहजादी। आदमी के फेंकने से तापसी सीधा रंजीत के पैरों में गिरी और एक बार फिर उसकी चिख निकल गई।
अविरन ये सब देख गुस्से में चिल्लाया, व्हाट द हेल, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम उसके भाई हो फिर भी। जीस पर रंजीत गंदी हंसी हंसते हुए बोला, माफिया से हो तो जानते ही होंगे यहाँ रिश्तों से ज्यादा पैसे पावर की वैल्यू होती है और यही माफिया में राज करने का तरीका है। आदमी बोला, और रही बात इसकी तो ये मेरी सौतली बहन है, मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है जो मैं इस छू नहीं सकता। आदमी रंजीत राय सिघानिया का छोटा बेटा जीत सिघानिया है जो दिखने में तो 20 साल का है लेकिन हरकतें किसी जानवर से कम नहीं है। जीत रंजीत राय का सौतेला बेटा है फिर भी वो रंजीत को सबसे प्यारा है। जीत बिल्कुल अपने बाप पर गया है, जिसे रिश्ते से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ पैसे और अपनी पावर का दिखाना करना पसंद है, दूसरे से उसे कोई मतलब नहीं। रंजीत तापसी को बालों से पकड़ खड़ा कर तापसी के डरे हुए चेहरे को देख श्यानी हंसी हंसते हुए बोला, बहुत तरपाया है तूने मेरे बेटे को और मुझे, अब बारी हमारी। उसने फिर एक खींच के थप्पड़ तापसी को रख दिया। थप्पड़ पड़ते ही तापसी धम से नीचे गरी, उसके हाथ में एक बार फिर चोट लगी, उसमें से खुश निकलने लगा। रंजीत राय सिघानिया राहुल वरुण अविरन एक साथ गुस्से में चिल्लाए, तापसी की हालत देख तीनों छटपटाने लगे। आज तक राहुल ने तापसी पर आवाज तक ऊंची नहीं की और रंजीत राय ने उसे थप्पड़ मार दिया जिसे तीनों की आंखें लाल हो गई। जीत तापसी के पास पंजों पर झुक, उफफ मेरी छोटी शहजादी, दर्द हो रहा है, चु 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 होना भी चाहिए, तब भी तो तुम हमसे डरोगी और कभी भागने की कोशिश नहीं करोगी, वैसे भी मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा। तापसी अपने गाल पर हाथ रख रोते हुए जीत की ओर देखने लगी, उसकी आंखों में दर्द देख जीत शैतानों की तरह मुस्कुरा ने लगा। तापसी डरते हुए चारों ओर नजरें फिरा के चिल्लाए, डेविड डेविड डेविड, तापसी समय को आवाज लगा रही थी। जीत तापसी के बालों को खींच खड़ा कर हंसते हुए बोला, चिल्लाओ और चिल्लाओ, कोया नहीं आएगा तुम्हें बचाने, मेरी शहजादी कोया नहीं आएगा, वो आएगे, वो अपनी बटरफ्लाई को बचाने आएगे, सुना तुमने, वो आएगे, तापसी रोते हुए बोली। तापसी अपने गाल पर हाथ रख रोते हुए जीत की ओर देखने लगी, उसकी आंखों में दर्द देख जीत शैतानों की तरह मुस्कुरा ने लगा। तापसी डरते हुए चारों ओर नजरें फिरा के चिल्लाए, डेविड डेविड डेविड, तापसी समय को आवाज लगा रही थी। जीत तापसी के बालों को खींच खड़ा कर हंसते हुए बोला, चिल्लाओ और चिल्लाओ, कोया नहीं आएगा तुम्हें बचाने, मेरी शहजादी कोया नहीं आएगा, वो आएगे, वो अपनी बटरफ्लाई को बचाने आएगे, सुना तुमने, वो आएगे, तापसी रोते हुए बोली। वहीं राहुल भी चारों ओर समय को ढूंढने लगा, उसे पता था अगर रंजीत राय से अपनी बहन को कोया बचा सकता है तो वो सिर्फ समय है, लेकिन ना ही समय विला में था, ना ही उसके आदमी यहाँ तक इलियाना श्लोक भी वहां नहीं थे। अब वरुण राघव अफान भी समय को ढूंढने लगे। कल तो वरुण ने समय से बोल दिया था कि वो तापसी को उसकी परछाई से भी दूर रखेगा, लेकिन अब वही दिल से समय को बुला रहा था, लेकिन समय वहां नहीं था। राघव गहरी सांस लेके अफान से, बॉस हमें छोड़ के चले गए। अफान अपने हाथों की मुठिया बना के, हम सबने गलती की है, उसकी सजा है ये। राघव कल की बात याद कर, बिल्कुल सही कहा, ये सब उसी चीज की सजा है जो हम यहाँ है, इसकी सबसे दर्दनाक सजा मैडम को मिली है। मुंबई एयरपोर्ट, इलियाना श्लोक समय के साथ उसके जेट में थे। इलियाना काफी हैरान थी, वो जब उठी तो समय ने उसे और श्लोक को तैयार होने का बोल उनको लेके एयरपोर्ट निकल गया। इस बीच समय ने इलियाना से कुछ नहीं कहा, ना ही इलियाना ने कुछ पूछा, लेकिन उसके मन में काफी सवाल चल रहे थे। श्लोक तो और भी सोकत था, वो पहली बार प्राइवेट जेट में था। इलियाना श्लोक के साथ बेदी हुई थी। समय जेट में बने अपने प्राइवेट रूम में सोफे पर बैठा हुआ था, उसके एक हाथ में वाइन का ग्लास था तो दूसरे हाथ में फोन। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, गले हाथों की नशे दिख रही थी। फोन में विला की लाइव फुटेज चल रही थी जिसमें तापसी के साथ जो कुछ भी हो रहा था सब दिखाई दे रहा था। समत वाइन का एक सीप लेके अपना सर पीछे टिका के बोला, हर गलती की सजा होती है बटरफ्लाई, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो, मैं तुमसे प्यार जरूर करता हूँ बच्चा, लेकिन तुम है गलती करने पर माफ नहीं कर सकता, तुमने और
वहां मौजूद हर शख्स ने गलती की है, ये उसी की सजा है, अब तक जेलो। समय ने केबिन में बना एक बटन प्रेस किया। विला में तापसी की हालत देख सबकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। वरुण जोर से चिल्ला के बोला, समय कहा हो, प्लीज आ जाओ, प्लीज अपनी बटरफ्लाई को बचा लो, प्लीज समय लो पाओ। अफान ने उसके चिल्लाने पर व्यंग से मुस्कुरा के कहा, अब बुला रहे हो वरुण भाई, जब गलती करने से पहले नहीं सोचा कि उसका अंजाम क्या होगा तो अब क्यों बुला रहे हो। राघव ने तंज भरी आवाज में कहा, क्या फायदा बुला के जब वो यहाँ से चले गए, अगर वो यहाँ होते तो इसकी हिम्मत नहीं होती यहाँ कदम रखने की। वरुण दोनों की बात सुन नहीं, वो नहीं जा सकता, वो ऐसे नहीं जा सकता। अफान गुस्से में, वो चले गए और उसके जिम्मेदार आप लोग हो, आप लोगों ने उनको नाराज किया, अब भुगतो। राहुल उनकी बात सुन कंफ्यूज नजरों से वरुण को देख, तुमने क्या किया और ये लोग किस सजा की बात कर रहे हैं। वरुण ने कसके आंखें बंद कली और चिल्ला के बोला, समय में जानता हूँ तू जहाँ भी है, तुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है, प्लीज लोत आ, प्लीज भाई मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे भाई, प्लीज लोत आ, प्लीज अपनी बटरफ्लाई को बचा ले, ये लोग उसे जान से मार देंगे, तेरी बटरफ्लाई की इज्जत तेरे हाथ में है भाई, प्लीज लोत आ। इतना बोलते बोलते वरुण की आंखों में आंसू छलक आए, वो खुद को बेबस लाचार महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी बहन, उसकी क्यूटी के साथ इतना सब हो रहा था और वो बेबसों की तरह सब देख रहा था। वरुण को इस वक्त खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता तो वो पीछे जाके कल जो भी कुछ किया सब बदल लेता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कहते हैं ना, जुबान से निकल गई बात और बंदूक से निकल गई गोली को या चाह के भी वापिस नहीं ले सकता। वरुण खुद को मन ही मन कोस रहा था कि क्यों उसने समय को वो सब बोला, वो कैसे भूल सकता है कि समय का गुस्सा कितना खतरनाक है। उसे तो पता था समय कभी गलती पर किसी को माफ नहीं करता, फिर चाहे सामने कोई भी हो, फिर उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। राहुल वरुण की बात सुन कंफ्यूज और गुस्से में उसे देख के बोला, तुम सबने उसे नाराज किया, लेकिन क्यों, ऐसे तो उसने क्या किया जो तुम सबने उसे गुस्सा दिलाया। वरुण तो मुझे कहता था कि समय ही हमारी क्यूटी को बचा सकता है, इसलिए मैंने उसे समय के पास भेजा और तूने ही उसे नाराज किया, और ऐसे नाराज किया कि वो अपनी बटरफ्लाई को छोड़ चला गया। वरुण राहुल की बात सुन अपना सर झुका के बोला, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दे, सारी गलती मेरी है, मैं खुद को रोक नहीं पाया। राहुल गुस्से में, अगर तेरे कारण मेरी क्यूटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। वरुण, कभी नहीं सुना तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मुझे मेरी क्यूटी वापिस चाहिए। वही तापसी रोते हुए आसपास समय को ढूंढ रही थी, उसने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ के मत जाओ डेविड, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, आप जो बोलोगे वो करूंगी, प्लीज लोत आओ। जीत तापसी को फिर से बालों से पकड़ खड़ा करके बोला, अब बाकी का रोना धोना, अपने घर जाके बहुत हो गया टाइम वेस्ट। उसके ऐसे खींचने से तापसी की दर्द नाक चिख निकल गई। जीत को उसके दर्द से कोई मतलब नहीं था, उसने और कसके उसके बाल पकड़े और अपने डेड को देख कहा, डेड मुझे अपनी शहजादी के साथ प्राइवेट टाइम बिताना है, सो आई एम गो, मैं जा रहा हूँ, आप यहाँ सब निपटा के आ जाना। जीत को उसके दर्द से कोई मतलब नहीं था, उसने और कसके उसके बाल पकड़े और अपने डेड को देख कहा, डेड मुझे अपनी शहजादी के साथ प्राइवेट टाइम बिताना है, सो आई एम गो, मैं जा रहा हूँ, आप यहाँ सब निपटा के आ जाना। इतना कह के उसने बिना रंजीत की बात सुने तापसी गोद में उठा लिया। तापसी डर के मारे चिल्लाने लगी, रोने लगी, छटपटाने लगी, उसे छोड़ने की भीख मांगने लगी, लेकिन जीत ने उसे नहीं छोड़ा। जीत तापसी को लेके वहां से निकल गया, उसके पीछे रंजीत के कुछ आदमी भी चले गए। राहुल वरुण अविरन राघव अफान ये सब देख खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। पांचों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन सबको रंजीत के आदमियों ने ऐसे पकड़ रखा था कि पांचों चाह के भी तापसी के पास नहीं जा सकते थे, उसे बचा नहीं सकते। अविरन को रंजीत से नफरत हो रही थी, जिसे वो मानता था, अब उसे ही नफरत हो रही तो
रंजीत उनको चिल्लाता देख जोर जोर से हंस रहा था। राहुल रंजीत की हंसी सुन गुस्से में, तू बाप है या रावण? अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, तुझे शर्म नहीं आती? फिर राहुल उसके आगे हाथ जोड़ गिर गिरा के बोला, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, वो मासूम है, प्लीज तुम चाहो तो मेरी जान ले लो लेकिन उसे छोड़ दो, प्लीज अपने सोते ले बेटे को रोको, वो उसकी भी बहन है। रंजीत उसे गिर गिराता देख हंसते हुए जेब से सिगरेट निकाल के बोला, वो मेरी नहीं सुनेगा, मेरा शेर थोड़ा जिदी है, उसे कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो उसे हासिल किए बिना नहीं छोड़ता, कने वो उसकी बहन है। इस बार वीरन ने गुस्से में चिल्लाए हुए कहा, उसे अब रंजीत से नफरत हो रही थी। रंजीत राहुल के पास जाके गंदी हंसी हंसते हुए बोला, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, वो अब मेरे बेटे के पास है, तूने बहुत कोशिश करी उसे मुझसे दूर रखने की, मुझसे छुपा के रखने की, लेकिन अब वो मेरे पास है और वो बहुत जल्द तुम्हें भूल जाएगी। मेरी क्यूटी अपने भाई को कभी नहीं भूलेगी और उसे तेरा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, वो जिसकी बीवी है वो तेरा बाप है, वो चाहे उसे कितना भी नाराज क्यों ना हो लेकिन अपनी बटरफ्लाई पर किसी की नजर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो सोच तुम्हारे बेटे ने तो उस पर हाथ उठाया, वो तुम दोनों का क्या हाल करेगा? राहुल गुस्से में लाल आंखों से रंजीत को देखते हुए कहा। वरुण भी राहुल का साथ देके बोला, जाके अपने बेटे को बचा ले वरना आखिरी बार अपने घटिया बेटे को देख भी नसीब नहीं होगा, वो जरूर लौटेगा और लौटेगा तो तेरे बेटे का अंत होना तय है। रंजीत राय उनकी बात सुन गुस्से में अपने आदमियों को इशारा किया, रंजीत के आदमी वरुण राहुल को पिटने लगे, वो लोग मार खा के भी हंस रहे थे, वीरन को के आदमी ने पकड़ा हुआ था। दूसरी ओर जेट अभी भी मुंबई एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए इंतजार कर रहा था, पायलट पहले ही अपनी सीट पर तैयार थे, उन लोगों ने टेक ऑफ की सारी तैयारी कर ली थी, सिर्फ इंतजार था समय के उदय का। दूसरी ओर जीत की कार में तापसी अभी भी उसकी गोद में थी, वो जीत की बाहों में छटपटा रही थी, जीत उसके बार बार हिलने दुलने से इरिटेट हो रहा था, उसने गुस्से में तापसी को साइड में पटक दिया और तेज आवाज में बोला, चुप, बिल्कुल चुप, अगर एक और आवाज अपने इस छोटे से मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तापसी जीत के ऐसे चिल्लाने से और भी डर गई, जीत फोन निकाल किसी से बात करने लगा, तापसी डर से उसे दूर खिसक के दरवाजे लग के बैठ गई। तापसी का रोना अभी भी चालू था, उसने अपनी आवाज दबाने के लिए अपने दोनों हाथ से मुंह दबाया हुआ था, जिसे आवाज बाहर जाना सके। तापसी के सुबकने तक की आवाज नहीं निकल रही थी। रंजीत का फोन जीत के ड्राइवर के फोन पर आया, ड्राइवर कार चलाते हुए फोन कार से कनेक्ट कर बोला, जी बोस। रंजीत विला से बाहर निकलते हुए बोला, जीत कहा है? ड्राइवर ने कहा, बोस छोटे सर पीछे बैठे है। जीत अपने डैड की आवाज सुन, व्हाट हैपेंड डैड? रंजीत परेशान भी आवाज में, बेटे मेरी बात सुनो, तुम अभी इसी वक्त जल्द से विला पहुंचो, रास्ते में कहीं भी कार मत रोकना, अगर कुछ भी हो तो कार से बाहर मत निकलना, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जीत अपने डैड की आवाज में घबराहट महसूस कर बोला, डैड क्या हुआ, आपकी आवाज इतनी टेंशन भरी क्यों है, कुछ हुआ है डैड? मैंने जितना कहा उतना कर, और कुछ भी हो जाए कार से बाहर मत निकलना, रंजीत इतना बोल कोल कट कर दिया। जीत अपने डैड की बात पर सोच ही रहा था कि उनकी कार एक झटके में रुकी, जीत की आगे एक और कार थी। जीत कार रुकने पर ड्राइवर को गुस्से में घूर के, क्या हुआ कार क्यों रुकी? ड्राइवर, पता नहीं बॉस, मैं देखता हूँ। ड्राइवर अभी कार से बाहर निकला ही था कि उसके आगे वाली कार में ब्लास्ट हु ब्लास्ट इतना बड़ा था कि आगे वाली कार ब्लास्ट के साथ हवा में उड़ी और दूर जाके गिरी। ब्लास्ट होते ही जीत की आंखें छोटी हो गई, उसके हाथों की मुठिया कस गई, वही तापसी की चिख निकल गई, उसने डर के मारे कसके अपनी आंखें बंद करी। ड्राइवर भी ब्लास्ट देख डर से कांपने उठा। जीत गुस्से में तेज आवाज में बोला, वो द फक, किसकी इतनी हिम्मत, जो जीत सिघानिया से टकराने की हिम्मत कर रहा है? उसकी आवाज सुन ड्राइवर डरते हुए बोला, सर आगे देखिए। जीत ने जैसे ही सामने की ओर देखा, उसकी आंखें गुस्से में और भी लाल हो गई। सामने एक आदमी कार की बोनट से टेक
लगा के रखा होके सिगरेट पी रहा था। उसके पीछे और भी गाड़ियां और आदमी खड़े थे। सबके हाथों में गन थी। उन सब ने एक कलर के कपड़े पहने थे। जीत उस आदमी को देख गुस्से में बोला, अब ये कौन है जो अपुन के इलाके में आके अपुन से ही टकराने की जुर्रत कर रहा है? लगता है इसे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है जो अपुन के सामने खड़ा है। ड्राइवर जीत की बात सुन मन में लगता है बॉस ने किसी गलत आदमी को ऑफेंड किया है। बाहर खड़ा आदमी बिना किसी भाव के सिगरेट की लंबी कस्ट लेके उसे नीचे फेंक अपने पैरों से क्रस करके बिना इमोशन अपनी कर्कश आवाज में बोला, बटरफ्लाई लेट्स गो टू द होम बच्चा। जी हाँ, सामने कोया और नहीं समय खड़ा था। जीन्स के चेहरे पर इस वक्त कोया भाव नहीं थे। उसका आरो डाक था, आंखें बफे की तरह शद थी। समय की आवाज जैसे ही तापसी के कानों पर गई वो तुरंत आंखें खोल सामने देखने लगी। अपने सामने अपने डेविड को देख उसकी आंखों में फिर से आंसू छलक आए। समय बाहर से भी कार में तापसी को देख सकता है। वो अपनी बाहें फैला के उसे पुकारा, बटरफ्लाई हबी के पास आओ। समय ने जैसे ही उसका नाम लिया तापसी बिना देर किए कार से उतर गई। जीत कुछ रिएक्ट कर पाता या उसे पकड़ पाता उसे पहले तापसी भागते हुए जाके सीधा समय के सीने से लग गई और रो पड़ी। समय अपनी बटरफ्लाई को कसके बाहों में भर लिया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अपनी छोटी सी बटरफ्लाई से इतने घंटे दूर रह के उसका दिल भी एक पल के लिए धकना भूल चुका था। अपने बच्चे को फिर से सीने से लगा के उसकी धकने लौट आए। वही जानता है उसके लिए भी तापसी को दर्द देना आसान नहीं था। जितना तापसी दर्द से तड़पी थी उतना ही समय भी बेचैन हुआ था। उसकी बेचैनी अब जाके थोड़ी कम हुई थी जब उसकी तापसी उसके सीने से लगी हुई थी, उसके दिल के करीब थी। तापसी किसी बिल्ली के बच्चे की तरह समय की कमर पर अपने दोनों पैर लिप्त उसकी गोद में चर गई। समय ने भी उसे और भी कसके अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें शद थी। तापसी समय के सीने से लग फुट फुट रोने ने लगी। समय की आंखें किसी अंगारों की तरह तप रही थी। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, उस पर कोई भाव नहीं थे। अगर तापसी उसकी आंखें देखती तो कभी उसके पास नहीं आती, लेकिन वो इस वक्त इतनी डरी हुई थी कि उसे समय के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। उसे सिर्फ समय की बाहों में सुकून और सेफ्टी दोनों का एहसास हो रहा था। जीत और उसके आदमी भी कार से बाहर आ गए। जीत के आदमी ने भी अपनी गन निकाल ली। जीत तापसी को समय के गले से लगे देख गुस्से में चिल्ला के बोला, छोटी शहजादी यहाँ आओ। तापसी जीत की आवाज सुन और कसके समय को पकड़ लिया और उसके गले में मुंह छुपा लिया। समय उसे डरता देख लाल आंखों से जीत को देखा जो उसके सामने उसकी बटरफ्लाई को बुला रहा था। उसका ओरा बर्फ की तरह शद हो गया। समय के आदमी और जीत के आदमी एक दूसरे पर गन टाने खड़े थे। समय एक हाथ से तापसी की पीठ सहला के उसे पलट कार की बोनट पर बिठा के उसे खुद से अलग कर उसके छोटे से चेहरे को हाथों में भर के बोला, शह है बच्चा, चुप हो जाओ और डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने डेविड के पास हो, उसके करीब हो। उसकी बात सुन तापसी एक बार फिर उसके गले से लिपट गई और रुआसी आवाज में अटक अटक के बोली, डर डेविड माँ मुझे छोड़ के मत जाना, वो बहुत गंदे हैं, आपकी बटरफ्लाई को उन्होंने मारा। समय उसकी बात सुन गहरी सांस ली। उसके हाथों की मुठिया और कसी गई। उसे पता था कैसे जीत ने उसकी बटरफ्लाई को बालों से खींचा, कैसे रंजीत ने उस पर हाथ उठाया, कैसे जीत ने उस पर गंदी नजर डाली। समय वो सब देखने के बाद गुस्से में जैत से निकल जीत को बीच रास्ते पर रोक दिया। समय तापसी को सजा देना चाहता था लेकिन वो उसे किसी और के पास बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अपनी बटरफ्लाई पर किसी और की गंदी नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर तो जीत ने उसकी जान पर सिर्फ गंदी नजर ही नहीं डाली, उस पर हाथ भी उठाया है। फिर समय कैसे उसे छोड़ सकता है? जीत तापसी को देख तेज आवाज में समय से बोला, तू जो कोई भी है, अगर जान प्यारी हो तो यहाँ से चले जा और मेरी शहजादी को मुझे लौटा दे। इसके बदले में तुझे जीतने पैसे चाहिए, मैं दूंगा। जीत की बात सुन समय शैतानों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी सुन आसपास खड़े जीत के सारे गादोस डर से कांप उठे। उनके कदम खुद ब खुद पीछे हो गए। समय के गादोस भी समय की हंसी सुन दो कदम पीछे हो गए। समय इस वक्त इतना
खतरनाक लग रहा था, जैसे नरक का दानव। उसकी आंखें सुखा लाल हो चुकी थी। ओरा काफी खतरनाक हो गया था। समय के खुद के गादोस समय को देख डरे हुए थे, जो गादोस किसी के बाप से नहीं डरते, वो समय की एक आवाज से डरते हैं। जीत को समय की हंसी सुन उस पर काफी गुस्सा आने लगा। उसने समय को देख दांत पिसके कहा, किस बात की इतनी हंसी आ रही है तुझे? तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूँ? समय बिना इमोशन उसकी ओर देख, तुझे जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही तू कोई वीआईपी है। और रही बात मेरी पहचान की, तो तेरे बाप के कोल से ही तुझे पता लग चुका होगा मैं कौन हूँ। समय ने एक हाथ से तापसी को फिर से खुद के सीने से लगा लिया। तापसी फिर से बंदर के बच्चे की तरह उसकी कमर पर चढ़ गई। जीत समय को देख गुस्से में चिल्ला के बोला, तू कोई भी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे पास जो है वो मेरी है। उसके इतना ही कहना था कि समय का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया और तेज आवाज में बोला, अपनी जबान पर लगाम लगा ले, वरना जबान के साथ सर धर से अलग कर दूंगा। जिसे तू अपनी बोल रहा है वो इस समय मल्होत्रा की बीवी है। उसका गुरूर मेरे गुरूर पर अपनी गंदी नजर डाल, तुमने पहले ही तूने अपनी मौत बुला ली है। जीत समय के मुंह से तापसी को अपनी बीवी सुन सोकद हो गया। तापसी समय के मुंह से खुद को बीवी सुन उसका दर्द थोड़ा कम हुआ। वो समय की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। समय तापसी को कार की बोनट पर बिठाते हुए कहा, बच्चा आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं थोड़ा काम निपटा लूं, फिर हम वापिस चलेंगे। इतना बोल समय जैसे ही तापसी से दूर होने लगा। तापसी उसका सट पकड़ डरते हुए नामे सर हिलाने लगी, जैसे के रही हो उसे मत छोड़ो। समय उसका डरा हुआ चेहरा देख गहरी सांस लेके उसे फिर से अपने सीने से लगा के बोला, कुछ नहीं बच्चा, अभी यही है, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें अपने डेविड पर भरोसा नहीं है, मेरे होते हुए किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारे आस पास भी आ सके, इसलिए एक अच्छे बच्चे की तरह यहाँ बैठो और डेविड को अपना काम करने दो। समय कहते हुए अपना ब्लेजर निकाल तापसी पर डाल, तापसी के हाथों से अपने सर चुरा के तापसी को ठीक से कार के ऊपर बिठाया। फिर समय जीत की ओर गुस्से में मुरा, उसकी आंखें एक बार फिर शद हो गई। उसने अपना हाथ आगे किया, एक गाद ने आगे आके समय के हाथों में गन रख दी। समय गन लौट कर जीत के साथ खड़े आदमियों को देखते हुए बोला, तुम सबके पास दो चॉइस है, एक अपने हथियार जोड़ अपनी जान बचाओ और दूसरा अपनी जान देने के लिए आगे आओ। एसएम एक बार मौका देता है, दूसरा मौका लेने के लिए तुम नहीं मिलोगे। जीत समय की बात सुन गुस्से में दांत चबा के बोला, तू कोई भी हो, तुझे क्या लगता है तू मेरे आदमी को मेरे शहर में खड़े होके धमकाएगा और ये सब मुझसे गदारी करेगी? तो सुन, ये सब मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। समय उसकी बात सुन अपनी गन से अपना सर सहला के डेविल स्माइल करने लगा। उसकी स्माइल देख जीत और भड़क उठा, उसकी आंखें और लाल हो गई। समय तिरछी स्माइल कर बोला, एक बार पीछे मुड़ के देख, फिर वफादारी की बात करना। जीत ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसकी आंखों में सोकद और गुस्से में बरी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसके गादोस जो अभी गन लेके आगे खड़े थे, सब अपनी गन नीचे कर सर झुका के पीछे हो गए। जीत अपने गादोस पर चिल्ला के बोला, तुम सबकी इतनी हिम्मत, मेरे आदमी होके किसी और से डर रहे हो लगता है? तुम सबको अब अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, लगता है दूसरों से पहले तुम सबको माते के घाट उतारना पड़ेगा। उन गादोस में से एक बोला, सर पहले खुद को तो बचा लीजिए, बाद में हमें मारने की बात करना, आपको पता नहीं है आप किसके सामने खड़े सो। दूसरा गादोस समय के आगे अपनी गन नीचे रख जीत से बोला, बोस आपने इस बार गलत इंसान को ओफेन कर दिया। हमने कभी एसएम को देखा नहीं था, लेकिन उनके बारे में हर बड़े से छोटे बिजनेसमैन, माफिया, अंडरवर्ल्ड, यहाँ तक छोटे मोटे गैंगस्टर भी जानते हैं। इनको हॉलीवुड का बादशाह कहते हैं। इनके बारे में आप कैसे नहीं जानते, वो तो नहीं पता, लेकिन आपके देव जरूर जानते हैं। पहला वाला गादर बोला, हमने तो अपनी गन कपकी नीचे कली थी जब इनके साथ खड़े आदमियों को देखा, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। सर उनकी सट पर एसएम का लोगो बना हुआ है, जिसका मतलब ही मौत होता है, और यहाँ तो खुद
मौत का यमराज खड़ा है उनके साथ, खड़े हर एक गादव अकेले 50 को मार सकते हैं, इनके सामने हम कुछ भी नहीं है। ये सब गादोस उनके पर्सनल टॉप ट्रेन गादोस है, हम चाह कर भी उनके साथ नहीं लड़ सकते, अगर लड़ने गए भी तो हमारी मौत होना तय है। अपने गादोस की बात सुन उसके साथी गादोस ने भी अपनी गन रख दी, सबने समय के आगे पहले ही अपनी हार मान ली। जीत अपने गादोस से समय के गादोस की तारीफ सुन गुस्से में पागल हो रहा था, समय के चेहरे पर ये देख डेविल स्माइल थी। तब तक वहां रंजीत राय सिघानिया भी पहुंच गया। रंजीत अपने बेटे को देख तेज कदमों से चल के उनके पास आया, उसके पीछे अविरन, वरुण, राहुल, राघव, अफान भी अपनी अपनी कार से वहां आ गए। राहुल अपनी बहन के लिए काफी परेशान था, लेकिन जब उसने समय को तापसी के आगे खड़ा देखा तब जाके उसने राहत की सांस ली। वरुण भी समय को देख राहत की सांस ली, दोनों समय को देख एक दूसरे के गले से लग गए। अविरन पहली बार समय को देख मुस्कुराया, उसे भी आज समय की पावर का एहसास हो चुका था, क्योंकि वो कब से तापसी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माफिया किंग होने के बावजूद भी वो उसे बचा नहीं पाया। तापसी कार की बोनट पर दरी सहमी बेदी हुई थी, उसने एक बार भी राहुल, वरुण, अविरन को नहीं देखा, उसकी नजरें सिर्फ समय पर थी। रंजीत राय अपने बेटे के आगे आके खड़ा हो गया और जीत को अपने पीछे कर दिया। समय रंजीत राय को अपने सामने देख व्यंग भरी स्माइल कर बोला, चलो अच्छा हुआ ससुर जी आप भी यहाँ आ गए, अब जो भी होगा आपके सामने होगा, आप खुद अपने बेटे को कंधा दे देना। रंजीत राय जीत को पीछे करते हुए समय के सामने खड़ा होके बोला, देखो मिस्टर मल्होत्रा, आपसे हमारी कोई पर्सनल या प्रोफेशनल दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, अगर आप उसके साथ रात बिताना चाहते हो तो बिता लो, फिर मुझे मेरी बेटी लौटा देना। रंजीत ने जैसे ही ये बात कही समय की आंखों में आग जल उठी। समय गुस्से में तेज आवाज में बोला, अपनी जबान पर लगाम लगा रंजीत राय सिघानिया, वरना ऐसा ना हो बेटे से पहले तेरा गला धर से अलग हो, तू और तेरा घटिया बेटा जिसकी बात कर रहा है वो कोई आलतू फालतू लड़की नहीं है, वो इस समय मल्होत्रा उफ एसएम की बीवी है, उसकी जिद, उसका पागलपन, उसकी सनक, मेरी बीवी पर तूने और तेरे इस बेटे ने नजर डाल, हाथ उठा के अपनी मौत बुला ली, पहले तो सोचा था तेरे साथ खेलूंगा फिर तुझे मारूंगा, लेकिन अब जो होगा आमने सामने होगा। अब सुन, आज से माफिया वर्ल्ड का हेड और किंग दोनों अविरन ओबेरॉय होगा, आज से तेरा साम्राज्य खत्म हो सके वो कर ले, तेरे इस बेटे को दुनिया के जीन्स कोने में भेजना है, भेज में इस उस कोने से निकाल, तेरी आंखों के सामने जिंदा कतुगा, ये इस समय मल्होत्रा का वादा है। रंजीत राय समय की खुले आम धमकी सुन एक पल के लिए वो भी डर गया। रंजीत राय के साथ आए आदमी भी उसे जीत के आदमी की तरह पहले ही पीछे हो गए थे। समय अपने आदमी में से एक को आवाज लगा के शेरा, शेरा समय का सबसे खास आदमी है, वो तभी सामने आता है जब समय उसे बुलाता है, वरना वो समय के बाकी गादोस के साथ ही रहता है। समय के गादोस को भी शेरा के बारे में नहीं पता, शेरा का नाम वरुण ने सिर्फ समय के गादोस के मुंह से सुना है, देखा आज तक नहीं, लेकिन आज वो शेरा को अपने सामने देखने वाला है। शेरा का नाम सुन समय के गादोस एक दूसरे को देखने लगे, वरुण भी गादोस में शेरा को ढूंढने लगा। राहुल, अविरन को शेरा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, सिर्फ एक बात के कि वो समय की परछाई है, उसके जिंदा होते कोया भी समय को छू नहीं सकता। राघव, अफान ने भी शेरा का नाम काफी सुना था लेकिन देखा नहीं था, सब अपने आप पास शेरा को देखने लगे, लेकिन शेरा कहा है किसी को पता नहीं चल रहा था। ठीक तभी समय की गाड़ी का आगे का दरवाजा खुला और उसमें से ड्राइवर बाहर आया। ड्राइवर को देख सब हैरानी से उसे देखने लगे, खुद वरुण, राघव, अफान भी हैरान थे। वरुण ने समय के ड्राइवर को कितनी बार देखा है और कितनी ही बार उसे अपना काम करवाया है, लेकिन उस ड्राइवर ने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। वरुण के लिए समय का ड्राइवर बाकी ड्राइवर जैसा था, वो भी बाकी ड्राइवर साथ रहता था, इस लिए किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। ड्राइवर अपनी केप निकाल समय के आगे जाके खड़ा हो गया और कहा, बोलिए मास्टर, किसी के टुकड़े करने हैं
ड्राइवर को देख सब हैरानी से उसे देखने लगे। खुद वरुण, राघव, अफान भी हैरान थे। वरुण ने समय के ड्राइवर को कितनी बार देखा है और कितनी ही बार उसे अपना काम करवाया है, लेकिन उस ड्राइवर ने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। वरुण के लिए समय का ड्राइवर बाकी ड्राइवर जैसा था, वो भी बाकी ड्राइवर साथ रहता था, इस लिए किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। ड्राइवर अपनी केप निकाल समय के आगे जाके खड़ा हो गया और कहा, बोलिए मास्टर, किसी के टुकड़े करने हैं? शेरा ने ये बात ऐसे पूछी जैसे किसी चीज को काटने की बात कर रहा हो। वरुण और बाकी गादौस शेरा की बात सुन और भी हैरानी से उसे देखने लगे। सबने शेरा के बारे में सुना था कि वो समय की परछाई है, उसी की तरह बेरहम और निर्दयी शेरा इंसानों को ऐसे काटता है जैसे गाजर मूली, लेकिन देख पहली है शेरा 25-26 साल का आदमी है, वो भी समय की तरह है, उसकी तरह ही एक्सप्रेशनलेस। समय शेरा को देख हिवल स्माइल कर बोला, आज से तुम अपनी मैडम की हिफाजत करोगे जैसे मेरी करते हो, इसे नजर उठा के देखने वालों की नजर निकाल लोगे, छूने वालों के साथ और चाहे तो पैर और दिल भी। शेरा अपना सर हिला के, जी मास्टर। समय रंजीत राय और उसके बेटे जीत को देख आगे बोला, उसे पहले इन दोनों को देख लो, तुम्हें इन दोनों के दिल निकालने हैं। उसने इतना ही कहा था कि शेरा ने अपने पीछे से तुरंत तलवार निकाल और बोला, अभी लीजिए मास्टर। अभी वो आगे जाता, उसे पहले समय ने उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए कहा, अरे मेरे ग्रेनाई रिलैक्स, इतनी आसान मौत नहीं देनी। इन दोनों ने तुम्हारी मैडम को तुम्हारे मास्टर से 12 साल दूर रखा है, उनको तरपाया है, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना, फिर मौत तो देनी ही है। शेरा समय की बात सुन तलवार गोल घुमा के वापिस पीछे रख बोला, जैसा आप कहें मास्टर, खेल खेलूंगा जब तक आप चाहें। समय मुस्कुरा के, धेस्ट लाइक माई ग्रेनाई। शेरा की तलवार देख सबकी आंखें फटी की फटी थी, जींस तरह उसने तलवार निकाली, सब सूखे थे। तलवार की धार इतनी तेज थी कि एक कट और इंसान की स्किन के दो हिस्से कर दे, और शेरा ने उसे ऐसे निकाली जैसे कोया खिलौना हो, और खरी भी कुछ ऐसे ही। समय शेरा को ओदर देके, शेरा कल माफिया वर्ल्ड की मीटिंग अरेंज करो, कल ही अविरन उस चेयर पर बैठेगा और मुंबई को ये बात पता चल जानी चाहिए कि माफिया किन के साथ एसएम खड़ा है, कल वोटिंग यही सोच के करना, वरना एसएम के साथ दुश्मनी के तैयार हो रहना। शेरा अपना सर हिला के, जो हुकुम मास्टर, काम हो जाएगा। समय रंजीत को देख डेविल स्माइल कर उसके करीब जाके बोला, गेम इज बिगिन। इतना बोल समय तापसी के पास वापिस आ गया। तापसी बिना देर किए समय से लिपट गई। शेरा वापिस अपनी चेयर पर बैठ गया और समय तापसी के बैठते ही उसे लेके निकल गया। राहुल वरुण समय को ऐसे जाते देख उसके पीछे आवाज लगाने लगे, राहुल समय हमें तुमसे बात करनी है। वरुण, सॉरी भाई, मुझे माफ कर दे, मैंने कल जो भी बोला उसके लिए मुझे माफ कर दे, प्लीज एक बार मेरी बात सुन। लेकिन समय बिना पीछे मुड़े बिना उनकी बात सुने तापसी को लेके वहां से निकल गया। शेरा को देख समय के बाकी गादौस इतने हैरान थे कि उनको पता ही नहीं चला समय कब वहां से चला गया। जब वो होश में आए तब तक समय की कार वहां से जा चुकी थी। वो लोग भी तुरंत अपनी कार में बैठ वहां से निकल गए। जीत समय को तापसी को उसकी आंखों के सामने ले जाने से काफी गुस्से में था। उसे जीतना गुस्सा समय पर था, उसे कहीं ज्यादा गुस्सा अपने डेट पर आ रहा था, जो वह होते भी उसकी तापसी को रोकने में मदद नहीं की। जीत ने गुस्से में रंजीत का हाथ अपने हाथ से झटके के कहा, आप खुद को माफिया का हेड कहते हैं डेट और एक विदेशी से डर गए, जिसने आपके सामने आपके बेटे को घटिया कहा, उसे जान से मारने की धमकी दी और आपने कुछ नहीं किया, उसके आगे हाथ जोड़े खड़े हो गए। और ये आपके वफादार गादौस, जिस पर आपको बहुत भरोसा है, वो उसकी एक धमकी से डर गए। इन सबने उसके आगे मेरा नाम खराब कर दिया, उसे उसके आगे कमजोर साबित किया। ये सब पलते तो हमारे टुकड़ों पर है, लेकिन वफादारी खुद की करते हैं। सबके सब बुजदिल है और आप भी डेड, आप भी इन लोगों में से एक है। जीत ने रंजीत की आंखों में आंखें डाल के आगे कहा, अब मुझे ना आप पर भरोसा है ना ही आपके इन गादौस पर, मैं अपनी शहजादी को खुद अपने पास लाके रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे उस समय मल्होत्रा की जान ही क्यों ना लेनी
पदे उसने मुझे मारने की धमकी दी है, ना तो मैं भी देखता हूँ उसका वो आदमी मुझे कैसे मारता है। इतना बोल वो गुस्से में वहां से कार लेके चला गया। रंजीत अपने बेटे की बात सुन चुप हो गया। उसे जाते देख उसके हाथों की मुठिया बन गई। राहुल जीत को इस तरह जाते देख रंजीत को देख मुस्कुरा के बोला, क्या हुआ रंजीत राय सिखानिया? अपने बेटे की बात का कोई जवाब नहीं है। उस पर वरुण ने रंजीत का मजाक बना के हंसते हुए कहा, कैसे होगा जवाब जब अपने सामने साक्षात यमराज को जो देख लिया है। अब इसे और इसके घटिया बेटे को पता चलेगा समय मल्होत्रा की बीवी पर हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। राहुल ने तंज कस के कहा, जाके अपने पागल सन की बेटे को बचा लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरी बहन के करीब जाने के ख्याल तक से उसका सर कट जाए। भूलिए मत, अब मेरी बहन सिर्फ आपकी बेटी नहीं, समय मल्होत्रा की बीवी है, जिसे दुनिया कितने नाम से बुलाती है वो तो आप भी जानते हैं। अविरन राहुल वरुण की ओर देख बोला, इन सब का जो होगा वो समय देखेगा, अभी चलो, हमें उसे माफी मांगनी है, उसे मना ना है। राहुल वरुण एक नजर रंजीत राय को गुस्से में देख अविरन के साथ वहां से निकल गए। राहुल ने तंज कस के कहा, जाके अपने पागल सन की बेटे को बचा लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरी बहन के करीब जाने के ख्याल तक से उसका सर कट जाए। भूलिए मत, अब मेरी बहन सिर्फ आपकी बेटी नहीं, समय मल्होत्रा की बीवी है, जिसे दुनिया कितने नाम से बुलाती है वो तो आप भी जानते हैं। अविरन राहुल वरुण की ओर देख बोला, इन सब का जो होगा वो समय देखेगा, अभी चलो, हमें उसे माफी मांगनी है, उसे मना ना है। राहुल वरुण एक नजर रंजीत राय को गुस्से में देख अविरन के साथ वहां से निकल गए। समय की कार तापसी अब थोड़ा नॉर्मल हो चुकी थी। नॉर्मल भी कैसे नहीं होती, उसका डेविड जो उसके पास था, जिसे पूरी दुनिया डरती है, उसे हमारी क्यूटी प्यार करती है, वो अभी भी समय की गोद में थी। समय एक हाथ से उसकी कमर पकड़ दूसरे हाथ से अपना फोन यूज कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तापसी का सर समय के सीने पर था और हाथ उसकी शर्ट के बटन पर, जिसे वो खेल रही थी। आगे बैठा शेरा एक हाथ से ड्राइव करते हुए, वो भी दूसरे हाथ से अपना फोन यूज करते हुए समय से कहता है, मास्टर आधा काम हो गया है और मिस्टर मित्तल अपनी बेटी को लेके मुंबई आ चुके हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए विला आ रहे हैं। समय फोन को स्क्रॉल करते हुए जवाब दिया, उनके आने की सारी तैयारी करो और बाकी सब भी, उनको यहाँ कोया प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और खास कर मेरी स्वीटबरी को। उसने स्वीटबरी बोलते हुए अजीब तरीके से स्माइल की। शेरा उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ गया। उसने सर हिला के कहा, जी मास्टर सब हो जाएगा। समय थोड़ी देर फोन यूज कर फोन वापिस पॉकेट में रखा और अपनी गोद में बेदी छोटी सी अपनी बच्ची को देखा, जो अभी सच में बच्ची लग रही थी। उसका वो मासूम सा चेहरा, जीन्स पर हमेशा प्यारी सी मुस्कुरान होती है, उस पर उंगलियों के लाल निशान बने हुए थे। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में अभी भी दर्द था। समय उसकी आंखों में दर्द देख सकता था। वो उस निशान को देख अपनी उंगलियों से उसे छुआ, जिसे छूते ही तापसी की दर्द भरी सिस्क निकल गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। समय उसकी आंखों में आंसू देख उसके गालों को बारी बारी प्यार से चुमके बोला, दर्द हो रहा है। उस पर तापसी मासूमियत से अपना सर हां में हिला दिया। समय उसके गालों को एक बार और चुम लिया और शेरा को पार्टीशन लगाने को कहा। पार्टीशन के साथ शेरा ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। समय तापसी के एक एक कर सारे कपड़े उसे अलग कर उसे सिट पर लेटा दिया और अपने हाथों को सेडेक्टिव वे में उस पर फिराने लगा। तापसी बरी बरी आंखों से समय को तुकुर तुकुर देखने लगी। समय के हाथ को अपने ऊपर महसूस कर सिहर उठी। समय डिप स्माइल कर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए इंटेंस नजरों से तापसी को देखते हुए बोला, हबी को भी दर्द हो रहा है, पहले तुम हबी का दर्द दूर करो, फिर हबी आपका दर्द दूर करेंगे। जीन्स पर तापसी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, हबी आपको भी किसी ने मारा? कहा, चोट लगी है, मुझे बताओ, क्यूटी उसे अभी ठीक कर देगी। समय ने उस पर कुछ नहीं कहा। उसने अपने बाकी कपड़े निकाल दिए और अपने होठों से उसके होठों को लॉक कर दिया। ये होते ही तापसी की आंखें अपने आप बंद हो गई।
समय थोड़ी देर उसके होठों से खेलने के बाद उसे डिप किस करने लगा। तापसी की आंखें समय के होठों के छूते ही बंद हो चुकी थी। उसके हाथ अपने आप समय के कंधे पर चले गए, वो भी समय का साथ देने लगी। उसे अभी भी किस करना नहीं आता था, वो थी समय के होठों को किसी कैंडी की तरह चूस रही थी। समय 20 मिनट तक उसके होठों को किस करता रहा जब तक उसका मन नहीं भरा, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ और तापसी को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब समय को महसूस हुआ कि तापसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो उसे दूर कर रही है, तब जाके उसने उसके होठों को छोड़ा और उसकी आंखों में इंटेंस नजरों से देखते हुए कहा, बटरफ्लाई अब तुम इतनी सी किस में नहीं थक सकती, अब तुम्हें भी हबी की तरह डिप किस करना सीखना होगा और वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। समय के किस करने से तापसी के सूखे मुरझाए होठ पहले की तरह टमाटर की तरह लाल हो गए। समय की बात सुन उसका चेहरा भी लाल हो गया। समय ने अपने अंगूठे से उसके लाल होठों को रब किया और एक बार फिर उसके निचले होठ को अपने मुंह में भर जोर से किस बाइट कर ली और एक छोटी सी किस के बाद कोर दिया। समय ने अब उसकी सुराईदार गदन पर अपने होठ चलाने शुरू कर दिए। तापसी मदहोशी भरी सिसकियां लेने लगी। समय के किस करने से वो किसी जल बिन मछली की तड़प रही थी। कार में मदहोशी का आलम छाने लगा। समय तापसी के प्यार की मदहोशी एक बार फिर दोनों के बीच की दूरियां मिटाने लगी। दूसरी ओर राहुल वरुण की कार में अविरन कार ड्राइवर कर रहा था। वरुण राहुल पीछे बैठे अपने नाखून चबा रहे थे। वरुण नाखून के साथ अपने बाल भी खींच रहा था। राहुल के पैर में दर्द और भी बढ़ चुका था जिसका एहसास उसके दिमाग को था, लेकिन दिल में अपनी बहन की फिक्र थी। वहीं अविरन के दिमाग में कल की मीटिंग की टेंशन हो रही थी। कल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मीटिंग थी, वो भी ऐसे दिन जब कल पूरे मुंबई में इतना बड़ा त्योहार है। कल जन्माष्टमी है, पूरी मुंबई में मटकी फोड़ होने वाला है और उसी दिन सारे माफिया वर्ल्ड से जुड़े लोग सामने आने वाले हैं। कल अगर कुछ भी हुआ तो बहुत बड़ी तबाही आएगी और तबाही भी ऐसी जैसे किसी ने कभी देखी नहीं होगी। ये मीटिंग वैसे भी कोई छोटी मीटिंग नहीं होने वाली थी। इसमें माफिया हेड और हॉलीवुड का बादशाह जिसे दुनिया कई नामों से बुलाती है, जिसे कुछ नर्क का यमराज भी कहते हैं, वो इसमें जुड़ा हुआ है। ये सोच सोचे कि अविरन की हालत खराब हो रही थी। वरुण अविरन को फुल एसी में भी पसीना आता देख उसके कंधे पर हाथ रख के पूछा, क्या हुआ भाई, तुझे एसी में भी गर्मी लगती है क्या? नहीं यार, वो कल जो मीटिंग होने वाली है। यही सोच सोच के सर में दर्द हो रहा है, अविरन ने टेंशन भरी आवाज में कहा। वरुण राहुल उसकी बात सुन समझ रहे थे कि अविरन इतने टेंशन में क्यों है। कल की मीटिंग कोई छोटी मोटी नहीं थी, वो लोग भी कल के लिए परेशान थे। समय की कार में तापसी समय के पीठ पर बैठी हुई थी। समय गहरी लंबी सांस लेके मदहोशी भरी आवाज में उसे कह रहा था, बिल्कुल ऐसे ही करो बच्चा, तुम मेरी अच्छी बटरफ्लाई हो, हबी को ऐसे ही मसाज दो। तापसी समय की पीठ पर बैठे हुए उसे मसाज दे रही थी। समय आंखें बंद कर मसाज को इंजॉय कर रहा था। तापसी मुंह बना के उसकी पीठ की मसाज करते हुए बोली, आप बहुत गंदे हो डेविड, आपने मुझे प्यार करने को कहा था लेकिन आप तो मुझ मासूम से मसाज करवा रहे हो। समय उसकी मासूमियत भरी बात सुन मुस्कुरा के बोला, बच्चा अभी जितना प्यार किया वो तुम्हारे लिए ठीक है, बाकी विला जाके अभी तुम हबी को मसाज दो। दूसरी ओर एक पहाड़ी पर एक आदमी गाड़ी से टेक लगा के खड़ा हुआ था। उसका एक हाथ पॉकेट में था और दूसरे हाथ में सिगरेट जल रही थी। वो सिगरेट की लंबी लंबी कस्टे ले रहा थे। आदमी दिखने में 30-35 साल का होगा। उसने ब्लैक कलर का टक्सीडो पहना हुआ था, आंखों पर गोगल्स, हाथों में गोल्डन वॉच, हाथों की सभी उंगलियों में गोल्डन डायमंड रिंग थी। आदमी दिखने में ना ज्यादा बड़ा था ना ही छोटा। तब वहां में एक कार तेजी से आके रुकी। कार में से दो लड़के ब्लैक हुई पहने बाहर आए। दोनों का आधा चेहरा ब्लैक हुई सी कवर था, उसमें से उनके होठों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आदमी दोनों को बिना देखे व्यंग भरी स्माइल कर कहता है, वेलकम 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 बेबी बॉय, वेलकम टू अवर प्लेस।
दोनों लड़कों ने आदमी के इस तरह बुलाने से अपने हाथों की मुठिया बना ली। दोनों चल के उसके साइड में जाके खड़े हो गए। आदमी दोनों को एक नजर देख उनसे नजरें हटा के सिगरेट की लंबी कस्ट लेके सामने की ओर देखते हुए कहा कि सालग रहा है अपने ही खेल में हार के। दोनों लड़के उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं बोले। आदमी ने आगे कहा, खेल अगर बच्चों जैसे खेलोगे तो यही होगा। खेल में प्यादे अगर ताकतवर ना हो तो उसमें अपनी हार तय होती है। तुम दोनों को मैंने समझाया था, सामने वाला कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है जिसे तुम दोनों लॉलीपॉप देके हटा दोगे। उसकी सोच एक शैतान की तरह है जिसमें अगर तुम दोनों एक कदम आगे की नहीं सोचोगे तो हार होना तय है। दोनों लड़के आदमी की बात सुन गुस्से में एक नजर उसे देख, एक लड़के ने दांत पिसके कहा, हमने अगर खेल बच्चों जैसा खेला है तो तुमने भी कोई बड़ा खेल नहीं रचा। हमारा एक प्यादा कमजोर निकला तो तुम्हारे उस बेवकूफ प्यादे ने भी कुछ खास नहीं किया। आदमी ये सुन गुस्से में बोला, तो तेरे कहने का मतलब है मेरी उसे हारा हूँ। लड़का उसके हाथ से सिगरेट लेके उसे अपने होठों से लगा के कष्ट भर के बोला, जीते भी नहीं हो जो हमें अपनी गलती दिखा रहे हो। इतने साल में तूने क्या उखाड़ी लिया जो हमें ज्ञान दे रहे हो। इतने साल उसके दोस्त बनके बिजनेस पार्टनर बनके उसके साथ रहे लेकिन आज तक तुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता सिवाय उसके नाम के। दूसरे लड़के ने आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहा। दूसरा लड़का आगे आके पहले लड़के के कंधे पर हाथ रख के कहा, भाई इसे लगता है हम हारे हैं लेकिन ये नहीं जानते हम हार कर भी जीते हैं। वो जरूर हमारे हाथों से चली गई लेकिन एक चीज हमें ना चाह के भी मिल गई। आदमी उसकी बात सुन, मतलब क्या है तुम्हारा, जो नहीं चाहते वो मिल गया, क्या कहना चाहते हो साफ साफ कहो। कुछ नहीं उसने ने कहा और अपने भाई को देख आदमी से बोला, कल खुद अपनी आंखों से देख लेना और अगली बार मेरे भाई के आगे आवाज मत निकालना वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। चलो भाई। लड़का अपने भाई को लेके वापिस अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल गए। आदमी उनको जाता देख गुस्से में अपनी कार के टायर पर लात मारी। आदमी दोनों के जाने के बाद गुस्से में चिल्लाया और अपनी आंखों से गॉगल्स निकाल अपनी लाल आंखों से सामने देखते हुए बोला, बहुत घमंड है ना तुझे अपने नाम पर, अपने रुतबे पर खुद को कसीनो का बादशाह कहता है ना तू। अब तुझे पता चलेगा कसीनोआ किंग कौन है। तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा नाम, मेरा प्यार, सब कुछ छीन लिया समय मल्होत्रा। अब तुझे भी वही दर्द दुगा, वही तर्क दुगा जो तूने मुझे दी। जब मैं तेरी जान, तेरी बीवी, तेरा सुकून तुझसे अलग करूँगा तब देखूंगा तू कैसे जी पाता है उसके बिना। पहले उसके सामने तेरा असली चेहरा लौगा, फिर देखता हूँ वो तेरे पास कैसे रहती है जब वो तुझे छोड़ के जाएगी। फिर तू भी वैसे ही रोएगा जैसे मैं रोया था। तूने तो मेरी आंखों के सामने मेरे प्यार को मारा था लेकिन मैं तेरे जीतना कमीना नहीं हूँ। मैं उसे मारूंगा नहीं लेकिन उसे तुझसे इतना दूर भेज दूंगा कि तू उसके लिए रोज रोएगा, रोज तड़पेगा लेकिन वो तेरे पास कभी नहीं होगी। ये मेरा तुझसे वादा है। इतना बोल आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, उसकी हंसी में खौरा आने वाले तूफान साफ सुना दे रहा था। दूसरी ओर समय की कार विला पहुंच चुकी थी। समय तापसी को लेके सीधा अपने कमरे में चला गया। वो तापसी को ले जाके सुला दिया। तापसी मसाज करते हुए समय की पीठ पर ही सो गई थी। समय उसे सोता देख बिना किसी इमोशन के उसे ले जाके कमरे में सुला दिया। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जीरो थे। उसे अच्छे से सुलाने के बाद उसके माथे को चुम के कमरे से बाहर आ गया। वो नीचे आया तब तक वहां राहुल, वरुण, अविरन, राघव, अफान, इलियाना, श्लोक भी आ चुके थे। इलियाना एयरपोर्ट से ऐसे वापिस आके काफी गुस्से में थी। उसे लगा था समय अब उस लड़की के पास नहीं जाएगा और उसे अपना भाई वापिस मिल जाएगा लेकिन समय के प्लेन से जाने से उसे बहुत गुस्सा आया। श्लोक को इन सब में ना ही गुस्सा था ना ही कुछ और, वो तो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था और सबको देख रहा था। समय सबको एक नजर देख जाके सोफे पर बैठ गया। शेरा समय के पीछे जाके खड़ा हो गया। वरुण ने समय के आगे अपने घुटने टेक दिए। राघव अफान भी अपने घुटनों पर बैठ गए।
राहुल लंगड़ाते हुए समय के सामने हाथ जोड़ अपने भरे हुए गले से बोला, थैंक यू सो मच। अगर तू नहीं आता तो मेरी क्यूटी आज उस हैवानों को शिकार हो जाती। समय ने बिना इमोशन के उसे देखते हुए कहा, वो मेरी बीवी है, मेरे होते हुए मेरी बीवी पर एक खरोच भी नहीं आ सकती। राहुल उसकी बात सुन मुस्कुरा के समय के गले से लग गया और रो पड़ा और उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलतियां की है, बहुत बार तुझे गलत समझा, तेरे फैसलों पर सवाल किया, अपनी बहन तुझे देखे कभी तुझ पर भरोसा नहीं किया, हमेशा मुझे यही लगता रहा कि मैंने अपनी बहन को गलत हाथों में दे दिया, लेकिन मैं अब समझ चुका हूँ कि मैंने कोई गलत इंसान नहीं चुना। जीन्स के हाथों में बचपन में मेरी क्यूटी चली गई थी, वो गलत कैसे हो सकता है, जिसे खुद हमारी माँ ने चुना वो गलत कैसे हो सकता है। समय राहुल की बात सुन बिना इमोशन के सामने देखता रहा। वरुण ने अपने हाथ जोड़ के अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहा, मुझे भी माफ कर दे, मैंने कल गुस्से में तुझ पर हाथ उठाया, तुझसे क्यूटी को अलग किया, उसे तुझसे दूर रहने को कहा, मुझे माफ कर दे भाई, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राघव अफान भी अपनी गलती की माफी मांगते हुए बोले, बोस हमें भी माफ कर दो, आपका नमक खाके आपके से बगावत कि आपका ओदर नहीं सुना, हम फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अविरन ने भी माफी मांगते हुए कहा, सॉरी समय, मैंने भी तुझे गलत समझा, मुझे लगा उसके लिए तू सही नहीं है, जो तूने कल किया उसे तू मेरी नजरों में गिर चुका था, लेकिन आज जो तूने किया उसे मेरे दिल में तेरे लिए अलग सी जगह बन गई, तू सच में हॉलीवुड का बादशाह है, तेरी पावर देख आज मुझे भी जलन हो रही है। समय उसकी बात सुन तिरछी स्माइल कर दी और राहुल को खुद से अलग कर वरुण राघव अफान की ओर देख बोला, खड़े हो जाओ, मुझे गलती की सजा देना आता है, माफी नहीं, तुम सबको अपनी सजा मिल चुकी है, आई होप आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। समय ने सबको देखते हुए कहा और शेरा को इशारा किया। शेरा ने अपने पीछे खड़े आदमी को बैग सामने रखने को कहा। आदमी अपने हाथ में पकड़ा छोटा सा बैग समय के सामने खड़ा। वरुण राघव अफान खड़े होके बैग को देखने लगे। अविरन राहुल बैग देख हैरानी से कभी बैग को देखते कभी समय को। शेरा ने बैग को ओपन कर पीछे हो गया। वरुण राहुल अविरन बैग में रखी चीज देख उनकी आंखें हैरानी से और भी बड़ी हो गई। वो कभी बैग को देखते कभी समय हो। समय उनकी हैरानी भरी नजरें देख मुस्कुरा के बोला, ऐसे क्या देख रहे हो, तुम सबके लिए है कल इतनी बड़ी मीटिंग है, कुछ तो खास चीज होनी चाहिए। बाकी सब बैग में रखी चीज देख और भी हैरान हो गए। अविरन कभी बैग को देखते कभी समय को। वरुण ने हैरानी से बैग में रखी चीज को अपने कैपते हुए हाथ से उठा के कहा, समय ये तो काफी खतरनाक है। अविरन वरुण से भी ज्यादा शोकत था, उसकी आंखें शोकत से बड़ी हो गई थी। राहुल भी उतना ही शोकत था, पहली बार उसने ऐसी चीजें अपनी आंखों से देखी थी। राघव अफान को इतनी हैरानी नहीं हुई थी जितनी अविरन वरुण राहुल को हो रही थी। समय पैर पर पैर चरा के उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए बोला, कल की मीटिंग बड़ी भी है और खतरनाक भी, कल की जीतनी भी तैयारी है, शेरा करने वाला है, तुम सबको वही करना है जो मैं बोलूंगा। अविरन तुम्हें वही करना है जो तुम करते आए हो, और वरुण राहुल तुम दोनों कल अविरन के साथ रहोगे, बाकी सब में हैंडल करूंगा। समय की बात सुन अविरन ने उस चीज को हाथ में उठा के कहा, वो सब तो ठीक है लेकिन कल के लिए इसकी क्या जरूरत है। अविरन तुम्हें वही करना है जो तुम करते आए हो, और वरुण राहुल तुम दोनों कल अविरन के साथ रहोगे, बाकी सब में हैंडल करूंगा। समय की बात सुन अविरन ने उस चीज को हाथ में उठा के कहा, वो सब तो ठीक है लेकिन कल के लिए इसकी क्या जरूरत है। इसका जवाब समय से पहले शेरा ने देते हुए कहा, खेल अगर बड़ा हो और दुश्मन ज्यादा हो तो इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए तो गन हमारे पास है। वरुण ने पीछे से गन निकाल के कहा, तो समय ने भी अपनी गन निकाल उस पर उंगली फिरा के कहा, ये सिर्फ कुछ लोगों की जान लेती है लेकिन मेरा ड्रैगन वेपन एक साथ हजारों की जान ले सकता है। अविरन वेपन को हाथ में लेके उसे गोल गोल घुमा के उसे देखने लगा। अविरन को उस चीज को देख समझ नहीं आ रहा
हाँ वो है कया, उसने उसे देखते हुए समय से पूछा इसका इस्तेमाल कैसे करना है और ये है क्या। वरुण वेपन को देख समय घूर के बोला क्या नाम रखा है अपने इस नए खिलौने का। समय बिना कुछ बोले अपनी गन को नीचे रख बैग में से एक वेपन हाथ में लेके उसे अपने लेफ्ट हाथ में पहन उसे एक्टिव किया। वरुण अविरन राहुल राघव अफान समय के हाथ में वेपन देख सोकत थे। वो छोटा सा वेपन जो दिखने में किसी नॉर्मल घड़ी की तरह था लेकिन उसमें घड़ियों जैसे कोई कांटे या नंबर नहीं थे। उसमें एक रेड ब्लैक हार्ड और ब्लैक हार्ड था जिसमें टाइम दिख रहा था। समय के हाथ में वेपन वॉच एक्टिव होते देख सबकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। वेपन वॉच एक स्क्रीन की तरह उसके हाथ के ऊपर आ गई जो दिखने में तो किसी मोबाइल वॉच की तरह लग रही थी लेकिन उसमें मोबाइल वॉच की तरह कोई ऐप नहीं थे। उसमें मिसाइल वेपन की फोटो थी, साथ में उसमें उसका नाम और उसमें कितनी बुलेट होती है वो लिखा हुआ रहा था। साथ ही उसमें एक ग्रीन और रेड बटन था। सब उस छोटी सी चीज में ये सब देख हैरान थे। वो कभी अपने हाथ में पकड़ी वॉच को देखते तो कभी समय के हाथ में जो वॉच है उसे। सबकी आंखें समय पर थी और दिमाग में कई सवाल। शेरा ने उस वॉच के बारे में बताना शुरू किया, इसका नाम ड्रैगन 22 है जिसमें 8 न्यूटेक गन 4 मिनी मिसाइल और 1 वेपन गुल कनेक्ट है। ये छोटी सी वॉच उस वेपन से कनेक्ट है जो बोस ने खुद बनाए है। आप सब उस वेपन गन मिसाइल को अपने साथ लेके चल तो रहे होगे लेकिन वो आपके पास नहीं होगी। वो होगी तो अपनी जगह लेकिन आप उसे जुड़े रहोगे इस वॉच के जरिए। वरुण ने बीच में बोला तुम्हारा मतलब है ये हमारे हाथ में से फायर होगी। इसमें जो मिसाइल है वो यहाँ से एक्टिव होके सामने रखी चीज को ब्लास्ट करेगी। आर यू सीरियस? वरुण को यकीन तो था कि ये छोटी घड़ी जो समय ने बनाई है लो कुछ भी कर सकती है लेकिन उसका दिमाग उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। शेरा वरुण की बात पर अपना सर हां में हिला के बोला जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। आप इसे एक बार एक्टिव करोगे और जीन्स वेपन गन को क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक एक्टिव होके चलेगी। वो चलेगी तो वहां से लेकिन मारेगी उसे जिसे आप मारना चाहो। सिर्फ आपको इस वॉच में से जो लेजर निकलती है उसका निशाना सही रखना होगा, बाकी सब वो खुद कर लेगी और आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। इसे एक्टिव करने के लिए आपके सामने दो डिल बने हैं, एक ब्लैक और दूसरा रेड। रेड से एक्टिव होगा, रेड से वापिस ये वॉच में बदल जाएगी। शेरा की पूरी बात सुन अविरन राहुल राघव अफान काफी सोकट थे। वरुण उनसे कम सोकट था, बाकी चार ये चीज देखोर भी हैरन थे। अविरन कभी उस वॉच को देखता कभी उस वेपन टेक्निक को, उसे यकीन नहीं हो रहा था ऐसी कोई मशीन भी बना सकता है। वरुण वॉच को वापिस बैग में रख समय की ओर घूर के बोला इसे तूने कब बनाया? जितना मुझे पता है ये अभी तक पूरा नहीं हुआ था, फिर ये यहाँ कैसे? इस पर समय तिरछी स्माइल कर उसे देख बोला ये तो उसी दिन पूरा हो गया था जब तूने इसे अपने हाथ में लिया था, तब मैंने तुझे क्या कहा था याद कर? वरुण समय की बात सुन वो उस दिन को याद करने लगा। फ्लैशबैक, ड्रैगन गोडाउन। वरुण एक छोटे से टैब को हाथ में लेके उसे देखते हुए समय से पूछा ये तैयार हो गया? जिस पर समय ने कहा तैयार तो हो चुका है लेकिन इसे एक चीज में बदलना बाकी है, जब बदल दिया जाएगा तब सबसे पहले तुझे दूंगा और साथ एक और सरप्राइज भी दूंगा। वरुण सरप्राइज सुन समय को पूछते हुए बोला कैसा सरप्राइज? समय मुस्कुरा के वो तो तुझे तभी मिलेगा जब ये तुझे दूंगा, तब तक वेट कर। फ्लैशबैक एंड। वरुण को जब समय की बात याद आई तब जाके उसे वो चीज याद आई। उसे याद कर वरुण के चेहरे के सारे एक्सप्रेशन एक पल में बदल गए। अब वहां सोकत के साथ डर भी आ गया। शेरा ने सबको एक एक वॉच दे दी, साथ में एक एक येलो बॉक्स दिया लेकिन वरुण को जो बॉक्स था वो रेड। सब एक हाथ में वॉच दूसरे हाथ में बॉक्स लेके समय को देख रहे थे। समय सबकी नजरों को देख उनको वॉच पहनना इशारा किया, फिर बॉक्स ओपन करने को कहा। वरुण अपने हाथ में पका बॉक्स तुरंत टेबल पर रख उसे चार कदम दूर होके बोला मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, तू ही रख इसे, मेरे लिए ये वॉच ही काफी है। समय उस पर तिरछी स्माइल कर लाल बॉक्स को हाथों में लेके बोला चाहिए या ना चाहिए लेना तो तुझे पड़ेगा।
वरुण उसकी बात सुन डरते हुए हैरानी भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, ये जरूरी थोड़ी है, अगर किसी को गिफ्ट नहीं चाहिए तो उसे जबरदस्ती दो माँ, मुझे तेरे पास से कोई भी सरप्राइज नहीं चाहिए। जिसे सुन समय के चेहरे की स्माइली और बरी हो गई, बाकी सब अपने हाथों में पके बॉक्स को देख हैरान और कंफ्यूज दोनों थे। उनको हैरानी बॉक्स को देख उतनी नहीं हो रही थी जितनी वरुण को डरता देख हो रही थी। राघव अफान ने वॉच को हाथ में पहन ली और बॉक्स ओपन किया। दोनों ने जैसे ही बॉक्स ओपन किया उसमें से एक सुंदर सा पेंडन निकला जिसकी डिजाइन ड्रैगन थी और रंग आधा ब्लैक और आधा रेड। वरुण ने भी दोनों के हाथ में पेंडन देख अपना बॉक्स ओपन किया, उसमें भी सेम वही था। राहुल ने भी बॉक्स ओपन किया, अब वह सिर्फ वरुण था जो बॉक्स को ना ही हाथ लगाने को तैयार था ना ही ओपन करने को। राहुल ने उसे डरते देख अपना पेंडन दिखा के कहता है, वरुण डर मत, ये देख इसमें कोई बोम नहीं, पेंडन है वो भी बहुत सुंदर है, एक बार देख ले, शायद उसमें हमसे अच्छा पेंडन हो। राघव अफान भी राहुल का साथ देके कहते हैं, हाँ वरुण सर, एक बार देख लीजिए, शायद आपके काम की चीज हो। वरुण उन सब की बात सुन डरते हुए चीर भरी आवाज में बोला, तुम सबको इतना ही पसंद है तो तुम सब ही इसे रख लो, मुझे नहीं चाहिए। जिसे सुन समय अपनी जगह से खड़ा होके उस बॉक्स को लेके उसे सामने जाके उसके हाथों में जबरदस्ती पकड़ा के कहता है, ओपन इट। वरुण बॉक्स को अपने हाथ में देख डर के मारे उसे छोड़ते हुए ना में सर हिलाने लगा। समय उसके हाथों को बॉक्स के साथ कसके पकड़ के बोला, मैंने कहा बॉक्स खोल। वरुण फिर भी ना में सर हिला के अपने हाथ पीछे लेने लगा। उसकी आंखों दर देख समय के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। वो तेज वॉइस में कहता है, मैंने कहा बॉक्स ओपन कर वरुण। समय का काफी टाइम बाद उसका नाम लिया, वरना इतने महीनों से उसने एक बार भी उसका नाम नहीं लिया था। वरुण समय के मुंह से अपना सुन डर गया, उसने डरते हुए बॉक्स को हाथों में पकड़ा। समय की नजरें उस पर ही थी। वरुण ने डरते हुए कैपते हाथों से भगवान का नाम जपते हुए बॉक्स ओपन किया। बॉक्स ओपन होते ही उसमें से एक तेज रोशनी बाहर आए। बॉक्स में से रोशनी निकलता देख सबकी क्यूरोसिटी और बढ़ गई। सब और भी क्यूरियस होके बॉक्स को देखने लगे। सब जानना चाहते थे, आखिर ऐसा तो उसमें क्या है जो इतनी रोशनी निकल रही है। वरुण धीरे से बॉक्स में हाथ डाल उस चीज को बाहर निकाली। सबकी आंखें उस चीज को देख फटी की फटी रह गई। राहुल उसे देख मुंह खोले आंखें फाड़े कहता है, सो यूनिक। उसे देख वीरन ने कहा, यूनिक और ब्यूटीफुल वैसे है क्या ये चीज। पीछे से शेरा ने मुस्कुरा उसके बारे कहा, ये रेड स्टोन है जो पूरी दुनिया में कुछ ही पीस है उसमें से एक। ये है जिसे ट्रास्कर बोस ने तीन ड्रैगन पेंडन बनवाए, एक वरुण सर के लिए, एक मैडम के लिए और एक। शेरा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वही साइड में खड़ी इलियाना उस पेंडन को देख वरुण के पास आके उस पेंडन को छुके बोली, वाओ भाई, ये तो सच में बेसकीमती है भाई, मुझे भी चाहिए, आप एक मुझे दो ना। इलियाना को बचपन से कीमती हीरे ज्वेलरी पहनने का शौक है। उसे जो भी डायमंड मार्केट में नया आता वो समय से बोलती और समय बिना देर किए उसे लाके दे देता। समय पेंडन को वरुण के हाथ से लेके उसके गले में पहनाते हुए बोला, इसे कभी खुद से अलग मत करना, हमेशा अपने गले में रखना, और तुम सब भी इस लोकेट को अपने आप से अलग मत करना, उसने बाकी सबकी ओर देखते हुए कहा। फिर इलियाना की ओर देख के बोला, तुम जब इसके काबिल बन जाओगी मैं खुद तुमसे दूंगा, फिलहाल तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। इलियाना समय की बात सुन गुस्से में अपने हाथों मुठिया बना ली और समय को देखते हुए बोली, अगर मैं इसके लायक नहीं हूं तो क्या वो लड़की इसके लायक है जिसके लिए आपने ये बनाया और आपने इसे वरुण को भी दिया। फिर मुझे क्यों नहीं भाई, मैंने कहा ना इया, अभी तुम इसके काबिल नहीं हो, जब हो जाओगी तुम्हें इसे कीमती स्टोन दूंगा, समय ने उसे साफ मना करते हुए कहा। तो इलियाना गुस्से में समय को घूर के देखने लगी, फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। श्लोक भी उसके पीछे पीछे चला गया। वरुण इलियाना को ऐसे जाते देख समय से बोला, भाई तू कुछ ज्यादा ही उसके साथ स्ट्रीक हो रहा है, तुझे पता है ना वो बचपन से कितनी जिदी है, और उसे वैसा बनाने वाला भी तू ही है, जानता है ना ये बात, फिर क्यों उसे इस तरह बात कर रहा ही।
उस पर समय अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेके कहता है, जरूरी है जो गलती मैंने की है उसे सुधारना जरूरी है। वो आज ऐसी बनी क्योंकि मैंने उसे बनने दिया। अगर मैं उस पर थोड़ी शक्ति करता तो वो वहां से भागती नहीं और यहाँ उस हालत में नहीं मिलती जिसमें मैंने उसे देखा। तू अच्छे से जानता है मैं इया के लिए कितना पजेसिव हूँ। उसे बचपन से लेके कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसकी हर छोटी से छोटी जिद पूरी की, आज उसी का नतीजा है। ये इसी हो गई। मैंने अपनी लाइफ में दो गलती की थी, एक अपनी बटरफ्लाई को छोड़ के जाने की जिसकी सजा मुझे उसे 12 साल अलग होके मिली, और दूसरी मेरी बहन को जिदी बनाने की जिसकी सजा मेरे साथ उसे 3 साल दूर होके मिली। वरुण समय की सारी बात सुन उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, मैं जानता हूँ फिर भी तेरा तुरंत शक होना कहीं इलियाना को सही रास्ते पर लाने की जगह गलत रास्ते पर ना ले जाए, इसलिए कह रहा हूँ जो भी कर सोच समझ के। बाकी तेरा ये दोस्त तेरे हर फैसले में साथ है। बाकी सब भी वरुण की बात पर एक साथ बोले, हम सब भी तुम्हारे साथ है समय। अविरन ने मुस्कुरा कहा, मैं भी तेरा साथ दूंगा लेकिन तेरी जंगली बहन को नहीं संभाल सकता। मुझे सिर्फ अपनी बटरफ्लाई को ट्रेन करने दे, उसके छोटे छोटे सपने हैं जिसमें से कॉलेज लाना पढ़ाई करना कोई गलत बात नहीं है, ना ही फाइट सीखना कार चलाना स्विमिंग करना है। उसे कुछ बेसिक चीजें सिखाना जरूरी है समय, जिसे वो छोटी मोटी प्रॉब्लम का सामने खुद कर सके। जब तू उसके आसपास ना हो तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। राहुल वरुण अविरन की बात सुन घबराए हुए एक तक समय को देखने लगे। अविरन जो कहा वो तो सही था लेकिन समय उस पर कैसे रिएक्ट करेगा वो देखना था। वरुण ने कसके अपने लोकेट को पकड़ लिया। सबकी आंखी में फिर से दर्द दिखने लगा। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story, so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।